हाय गाइज व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल नीरज रख क्लासेस पे और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के स्टडी मटेरियल के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको लेके राइट right. तो आज हम लोग चार चैप्टर जो है वो डिस्कस कर देंगे आपके साथ इसी वीडियो के अंदर बैठ के बिल्कुल घबराने की बात नहीं है आने वाले समय में सर और भी चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर देंगे एक क्लैरिफिकेशन ले लो भैया कारो दो एप्लीकेबल नहीं है मैं दो एग्जाम्स के लिए राइट right. तो उसको छोड़ के बाकी जो भी आईसी ने क्या किया सर छोटे छोटे चेंजेस किए अपने स्टडी मटेरियल के अंदर वो मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ जस्ट टू अपडेट यू कि भाई कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आई है ऑडिट के अंदर कुछ लॉ चेंज हो गया हो कोई स्टैंडर्ड चेंज हो गया हो था क्या कि सर चैप्टर्स के अंदर स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस थे उन रेफरेंसेस को और बढ़ा दिया गया है जैसे कि हर स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में उस ऐसे का ऑब्जेक्टिव स्कोप जबरदस्ती अब यहाँ पर डाल दिया गया है हम आपको पहले से ही कवर कराते थे, थे तो काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से ही कवर करा के चलते थे आप लोगों को तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बहुत सारे इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो भी ऐड किए हैं वो भी मैंने कोशिश की सर यहां पे आपको ओवरव्यू दे दूँ इवन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो मार्क करे हैं किसी भले मानस से रिक्वेस्ट है कि भाई टाइम स्टैम बनाते जाना नीचे तो सबका भला हो जाएगा चैप्टर वन टू थ्री फोर तो बनाई देना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो उनकी भी टाइम स्टैम बना देना ताकि सब बच्चे यहां पे देख के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है वो अच्छे से कवर कर ले एक बात दूसरी बात मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं दूसरी बात कहना चाहता हूं वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं सर जी पंद्रह सो लाइक्स का मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जो है बड़ी आसानी से अचीव करा देंगे तीसरी बात वीडियो को शेयर कर लीजिएगा चौथी बात वीडियो देखिएगा इंजॉय कीजिएगा इसमें एक स्पेशल चीज़ करी है यहाँ नया स्टडी मेटर यहाँ पुराना स्टडी मटेरियल और दोनों को साथ 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 कंपेयर करता गया हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग वो मार्क कर भी सकते हैं अपने पुराने स्टडी मटेरियल के अंदर नया स्टडी है तो उस पर भी आप मार्क कर सकते हैं और अगर आपको कुछ चाहिए हो इससे रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आई विल ट्राई कि वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ इस गतिविधि में मेरा साथ दिया है मेरी टीम ने स्पेसिफिकली अब मुझे ना एक्चुअली मैं नाम लेने से डर रहा हूँ क्योंकि दो दो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो दोनों को क्रेडिट सर अगली वीडियो में उनकी परमिशन के साथ जो उनका नाम भी ले दूँगा बट मेरा बहुत साथ दिया मेरी इस टीम ने और आप लोगों तक ये चीज़ हम पहुँचा पा रहे हैं ठीक है थीके? और कोई खास बात बस यार इस वीडियो को अच्छे से देखना नोटिंग कर लेना क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करें उन्हें आप भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना टाइम स्टाइम दे देना और घबराना मत कोई एज सच कॉन्सेप्ट नहीं बदल गया कॉन्सेप्ट वो का वही है भाई 315 में रिस्क असैस होगा तीन सौ में रिस्क असैस होगा बात खत्म तीन सौ तीस में रिस्पॉन्स था तो तीन सौ तीस में रिस्पॉन्स जाएगा बात खत्म राइट सो so बस घबराना नहीं है अच्छे से वीडियो को देखना है और मार्किंग करते जाना है और मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मुझे भी बता देना नहीं तो मॉक टेस्ट पेपर्स पर जाओ सर मॉक टेस्ट पेपर डॉट कॉम पर वहाँ पर स्केडूल अनस्कड्यूल हर तरीके मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है आप लोगों के लिए एक बात दूसरी बात एडियो नाइनटी वन पर विजिट करना ना भूले अभी भी सेल ऑन है मुश्किल से दो चार दिन और बचे हैं एग्जैक्ट डेट आप लोगों को एडियो नाइनटी वन पता चल जाएगी कि क्या डेट है सेल के प्राइजेस की तो वो भी जरूर देख लीजिएगा ओके चलिए अब शुरू कर दीजिए जल्दी से अपने इन सेशंस को जिसमें आप लोग कंप्लीट करेंगे हमारे साथ ऑडिट के स्टडी मटेरियल के अंदर जो अपडेशंस हुई हैं वो ऑल द बेस्ट बाय बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर आपके लेफ्ट साइड पे जो है ये वाला पार्ट जो है वो है आपका ओल्ड राइट right? और ये वाला पार्ट जो है वो आपका न्यू राइट तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओल्ड और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड दैट इज़ न्यू अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं चलो चलते चलते हैं, चलते चलते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं तो सबसे पहला चेंज आपको मिलता है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन के बाद जो है आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है दिस इज द फर्स्ट चेंज जो आपके नए स्टडी मटेरियल के अंदर जो है वो लाया गया है राइट दिस इज द फर्स्ट चेंज गाइज तो आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये एग्जाम्पल सो लिखा है जी वाइल्ड ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन कंपनी ऑब्जर्व दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ वन लैख थर्टी थाउजेंड एंड पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ टू लैख टू थाउजेंड वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके ठीक है जी हाउ आर दे वर अपेयरिंग इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बात है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है सो so अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं अच्छा जी आफ्टर सच ऑब्जर्वेशन the ऑफ of एंड and लिमिटेड केम टू द कंक्लूजन conclusion फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट not ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल operational ऑफ द टैलेंटेड एंड and लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल financial 2021. So सो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है अगर आपने मेरे साथ वो टॉपिक पढ़ा है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू कब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू कब होता है पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने वो टॉपिक तो उस टॉपिक के अंदर हम लोग साफ साफ जो है ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई एसेट 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 लाइबिलिटी तो यानी कि कोई भी चीज़ जो है सर वो ओमिट नहीं होनी चाहिए आई होप आपको वो टॉपिक याद है अपना कोई भी चीज़ जो है वो सर छुपी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो रिकॉर्डेड ना हो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है बट रिकॉर्डेड नहीं है या रिकॉर्डेड है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है तो इसी से है एक पॉइंट फिर से मैं बोलता हूँ अमेंडमेंट क्या होती है यार ऑडिट में क्या अमेंडमेंट है जब तक लॉ नहीं है तब तक कोई अमेंडमेंट नहीं है जब तक कोई ऐसे नहीं आ रहा तब तक अमेंडमेंट नहीं है सो दिस इज़ एग्जाम्पल दिस इज़ एन अपडेट आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछ लें जल्दी से इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई ये एग्जाम्पल जरूर, जरूर 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 आप लोग पढ़ लेना चलिए अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या, -क्या चीजें जो हैं वो आई हैं तो इसी के साथ आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट शुरू हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट अब हर बच्चे बच्चे चप्पे चप्पे को आता है अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू जो है वो एक ऐड किया गया है कि एग्जाम्पल नंबर टू क्या है ज़रा जल्दी से हम उसको भी Lete hain, uspe bhi nazar mar lete hain. While auditing the books of account of different and capable limited for the financial 2021, Mr. Z, the auditor of the above mentioned company, explained to the new audit team, new audit team members about the objectives of the audit, uh, objectives for which audit of a company is conducted. While going through the financial statement of the company, audit team observed that there are many errors in the heads of the expenses which were material and also requirement of companies that are not complied with. When auditing team discussed the matter with uh, Z, uh, with regard to different and cable limited, he came to the conclusion that the auditors did not obtain reasonable assurance and were unable to express an opinion on the financial statement of the company. So, here एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये क्या बोल रहे हैं कि सर इन्होंने क्या किया है कि भाई कंक्लूजन निकाल दिया कि ऑर्डर को रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हैं और अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन है राइट तो कोई इसमें कोई मुद्दे कोई एकदम से मज़ा सा नहीं आ गया कि ओ माई गॉड कन फाया कुन क्या पढ़ा दिया सो so, आपको ये बस पता होना चाहिए कि भाई अगर ऑडिटर एक कॉन्क्लूजन पे पहुंच रहा है किसी तरीके से कि भाई मैं ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन तो सिंपल सी बात है उस केस में क्या होगा उस केस में सर जी हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में सर हम लोग जो है अपना क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे दैट्स इट ठीक है ना तो so, यहाँ पे कुछ ऐसा मजा सा नहीं आ गया कि भाई ये क्या ये क्या पढ़ा दे भाई एकदम मौज सी आ गई राइट ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है बाकी uh, एक बार चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट को लेकर इन्होंने और कुछ चीज़ बताई हो तो मैंने आपके सामने जो है पूरा का पूरा कंपेरिजन बनाया है वही तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं तो स्कोप ऑफ ऑडिट में एज सच कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा है फिर एक और एग्जाम्पल जो है ऐड हो गया है अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स देखें जो ऐड हुए हैं एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर दिया गया है आइए उस एग्जाम्पल को ही पढ़ लेते हैं फिर से सेम सेम लाइन्स पे कुछ ऐसा खुलासा नहीं हो जाएगा कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो आपको नहीं पता हो वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्सट्रीमली केयरफुल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट फॉर्म है डब्लू आई एसोसिएट्स ऑडिटर ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर वर्किंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ही एक्सप्लेन फर्दर दैट इफ इंटरनल कंट्रोल रेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एडिक्वेट एंड वर्किंग प्रॉ प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस ऑफ ऑडिटर ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीजेज एंड सब्सिक्वेंटली डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर ऑन वेरियस ट्रांजेक्शन वुड भी इफेक्टिव एंड एफिशेंट नहीं मुझे आप बता दो इसमें नई बात क्या 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 बताइए इसमें बस यही तो बताया है कि भैया ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उन्होंने कंपनी को जो एक्सप्लेन कर दिया क्या एक्सप्लेन कर दिया ये एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सप्लेन uh, कर दिया सॉरी किसको ऑडिटी मेंबर्स को किस बात को लेकर एक्सप्लेन कर दिया के एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर वर्किंग सिस्टम ऑफ एंटर कंट्रोल की वेरीफा वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमें भी पता है अगर आपका आई सी स्ट्रांग है अगर आपका आई सी डिज़ाइंड है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है अगर आपका आई सी कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है तो सर जी हमारे सब्सटैंटिव प्रोसेसर के नेचर टाइम एंड एक्सटेंट पर जो है वो इम्पैक्ट आता है हम लोग जो है सब्सटैंटिव थोड़े से कम करते हैं ये बातें हमें पहले से पता है राइट तो एग्जाम्पल नंबर थ्री भी जो है हमारा यहाँ पर कॉन्क्लूड हो जाता है आइए अब चलते हैं अगले और कुछ चेंजेस देखने के लिए सो so, साथ साथ ले चलते हैं बिल्कुल भाई एकदम एकदम गजब गजब तरीके से जो है साथ चलेंगे ये देखिए ये हमारा सारे टॉपिक जो है बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल और ये सारी चीज़ें जो हैं पुरानी की पुरानी है कोई भी इसमें जो है एज सच दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही है मुझे तो अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे टाइप्स ऑफ ऑडिट भी यहाँ पे निकल गया एडवांटेज का टॉपिक आ गया यहाँ पे एक मिनट रुकिए ज़रा लीजिए एडवांटेज का टॉपिक भी यहाँ पे मेरे साथ आ चुका है देन उसके बाद एडवांटेज के टॉपिक में हाँ एडवांटेज के टॉपिक में आपके पास एक जो है फिर से एक सेलिस्ट्रेशन जो है वो ऐड की गई है इनर इंट से पहले ओके okay? तो आइए जरा उस इलिस्ट्रेशन को जल्दी देख लेते हैं द ऑडिटर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स एज टू हाउ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द देंशन कंपनी ओके वेरी डिफरेंट लिमिटेड ओके अवशन कंपनी विल हेल्प प्रोटेक्टिंग क् फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ़ कंपनी वुड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर आंसर इज यस यस ये है ना इनका मेन क्वेश्चन आइए इनका मेन क्वेश्चन क्या यहन वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वुड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर आंसर इज अ बिग येस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं सर जी वो हेल्प करती हैं शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इन दी मैनेजमेंट ऑफ दी कंपनी वो तो ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को राइट सो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंटली आर डेफिनेटली हेल्पफुल टू द शेयर होल्डर्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन लीजिए सर आप अगर इसको अमेंडमेंट बोलते हैं तो आई एम सॉरी आइए इनर एंड लिमिटेशन ये सारी वही चीजें हैं सर जो आप लोग पढ़ चुके हैं बस विद एग्जाम्पल्स आ रही हैं कोई दूर दूर तक घबराने की आपको जरूरत नहीं है आइए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखते हैं पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स एसडब्ल्यू एन एसोसिएट्स मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम है एसडब्ल्यू सच बता रहा हूँ एसडब्ल्यू एन एसोसिएट वॉज अपॉइंटेड टू टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एफिशियंट एंड वाइब्रेंट लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है अब वाइल ऑडिटिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ देंशन कंपनी गलत कर बना दिया मिस्टर पार्टनर्स ऑफ एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट एंड अदर सीनियर इंप्लाइज ऑफ देंशन कंपनी ऑपरेटिंग इन प्रोवाइडिंग द रिक्वाड इन्फॉर्मेशन अच्छा माक करो माक करो माक करो ओके दिस इज नॉट दिस नॉट सो कॉपरेटिव बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट एंड सीनियर इंप्लाइज ऑफ एफिशियेंट एंड वाइब्रेंट विल एक्ट एज इनर एंड लिमिटेशन ऑफ एस डब्ल्यू एसोसिएट देर बर प्रवेंटिंग दर्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एपिनियनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दी ऑफ कमरे बिल्कुल ठीक बात है सर जी इसको आप दो सौ दस से भी रिलेट कर सकते हो मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आप इसको सात सौ से भी रिलेट कर सकते हो कि भैया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ क्या होता है आई होप आपको पता है राइट right? और इन जनरल भी आपको पता है कि सर इनर एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता है कि सर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है कभी कभी देती नहीं है लीजिए चलो भाई हवा के साथ साथ फिज़ा के संग संग चलते रहते हैं यहाँ पे भी चलते रहते हैं यहाँ पे भी चलते रहते हैं कुछ नया नहीं आया ये हिल पहले भी थी ये ये देखिए अगर आप ओल्ड में देखें तो ये हिल पहले भी थी मित्रों और ये हिल आज भी है ओके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं हिल स्टेशन थ्री भी पहले भी थी आज भी है चलते जाएँ चलते जाएँ ये देखिए मैच कर लीजिए आप ओके न चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास जो अपडेट आया है ये लो इलस्ट्रेशन फोर जो है वो नई ऐड की गई है और वो ऐड की गई है आपके टॉपिक नंबर सेवन पॉइंट सेवन से पहले तो आप उसको भी देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है सेवन पॉइंट सेवन में और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इलस्ट्रेशन जो है वो ऐड कर दी गई है मिस्टर जी वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंड केबल लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू दैट रोल ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑडिटिंग इज इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कंपनी तो यार ये ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में पढ़ लेते नहीं हमें तो यहाँ पर पढ़ाना है तो पढ़ लेते हैं भाई सो रीडिंग द रोल ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग इज इम्पॉर्टेंट येस वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी और आधो ने तो ये चर्चा आदो ने तो अफवाह फैला दी है ऑडिट का प्रोफेशन जो है खत्म हो जाएगा क्योंकि अब जो है कंप्यूटर से ऑडिट हुआ करेंगे आने वाले में, auditors की value नहीं रहेगी अरे छोड़ो भाई वैल्यू इंसान की होती है वैल्यू आपके स्किल की होती है अगर आप समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे स्किल सीखते जाएंगे तो कंप्यूटर आ जाए कंप्यूटर के पापा आ जाए आयरन मैन आ जाए कोई सा भी मैन आ जाए कुछ भी हो जाए इंसान से ऊपर उठ के ना कोई आ, कोई चीज़ आज तक दुनिया में आई है ना ही कोई चीज़ आएगी और जो लोग अपने आप को अपडेटेड रखेंगे जो लोग नए स्किल्स नए चीज़ें सीखते रहेंगे वो किंग बनेंगे किंग एज़ यूजल ठीक है ना इस वर्ड से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है सुन रहे हो तुम भी सुन लो

अच्छा आगे चलते आगे चलते चलते जाओ 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 ये एक और एग्ज़ाम्पल आ गया ये टेन पॉइंट टू पॉइंट थ्री यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर दिया है और वो कहाँ पे ऐड किया है टेन पॉइंट टू पॉइंट थ्री लो भाई लो एक और एक ये लो वाले के बाद आपको एक, एक दिया गया है मिस्टर मिस्टर एस एंड फिर से एस यार ये हे हे करवा के मानेंगे अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटीड एस ऑडिटर ऑफ केपेबल एंड कंपोज लिमिटेड आपका जिला है द ब्रदर ऑफ मिस्टर डब्लू फिर दिल तोड़ दिया मिस्टर डब्लू बना के वॉज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अच्छा मिस्टर एज बिंग अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन ऑन बिहाफ ऑफ एस डब्ल्यू एन एसोसिएट्स डिड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स ऑफ केपल एंड कंपोज लिमिटेड एज एट फुड एक्ट एज अ थ्रेट फेमिलैरिटी थ्रेट एंड एफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर अब अब ये देखिए कि इससे आपको एग्जाम में पूछ क्या सकते हैं और दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं आप लोगों के साथ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पर आप लोगों को बोलेंगे देखो जी बात ऐसी है यही केस स्टडी बना के बोल देंगे बताओ कि भाई ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बताओ कौन सी थ्रेट है जिसके जिसके चलते जो ही बिल्कुल भयंकर तरीके से नहीं तो सर जी हो जाएंगी बहुत ज्यादा दिक्कत अच्छा जी आइए रिमेंबर दिस ये बात जो हमने भी करी है कि इसी से आपको बना के पूछ लेंगे और कुछ नहीं होगा इसी से आपको बना के पूछ लेंगे आइए चलते हैं आगे 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 और केस अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई केस स्टडी से मेरा मतलब क्या है केस स्टडी से मतलब ये नहीं कि इसमें इस, इस, क्या केस स्टडी है यार इसमें मुझे बताओ क्या केस स्टडी है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है आपने बस क्या करना है आपने सर जी उस लाइन को पकड़ना है जो मेन इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जब ब्रदर कहीं पे सर ऑडिट कर रहा है तो फेमिलैरिटी थ्रेट ब्रदर किसी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो फेमिलैरिटी थ्रेट है डोंट मिक्स इट विद कंपनी ऑडिट राइट डोंट मिक्स इड विद कंपनी ऑडिट कंपनी ऑडिट में स्पेसिफिकली लिखा है कि कौन कौन अगर इन्वॉल्व है और कौन सी पोजीशन पे इन्वॉल्व है यहाँ पे फेमिलिटी थ्रेट में किसी भी तरह की सर जान पहचान है तो सर वो फेमिलिटी थ्रेट जो है वो बन सकती है राइट right? और इसमें कोई केस स्टडी ऐसे बम नहीं फूट गया केस स्टडी ऐसे पता है केस स्टडी क्या होती है कि भाई एक क्वेश्चन है तीन पेज का और वो क्वेश्चन पचास नंबर का है और उस पचास नंबर के क्वेश्चन से आपको अलग 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 चीज़ें पूछी प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल ये तो केस स्टडी के नाम पे बेटा कलंक है चलो आओ आगे चलते हैं जल्दी से लो भाई लो सो लेट्स मूव फर्दर ये हमारा हो गया सर जी अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 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 एलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर फाइव हमने जो है वो नई ऐड करी है और वो कहाँ पे ऐड करी हमने टेन पॉइंट थ्री से जस्ट पहले जो है हमने ऐड करी है आइए लीजिए So, Mr. H is an auditing member of partnership firm of chartered accountants, WY and Associates. Mr. H was of the opinion that professional skepticism is required only at the planning stage of an audit. Kya kar throughout the audit exercise karna hota hai. throughout the audit. Right. So Mr. H was of the opinion that professional skepticism is required only at the planning stage of an audit because situation and circumstances which are unusual in nature exist at the beginning of an audit only. क्या बात कर दी आप लोगों ने एक्सप्लेन वेदर प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म इज़ ओनली रिक्वायर्ड प्लानिंग स्टेज आंसर इज़ अ बिग नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर जी प्रोफेशनल स्कैप्टिजम जो है थ्रू आउट द ऑर्डर रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल स्कैप्टिजम में जितना डिटेल में आपको मैं ले गया हूँ शायद ही आपको कोई और ले गया हो पढ़ाते समय आइए और अच्छे से पढ़ाया भी है रटवाया भी है आइए आगे चलते जाते हैं लीजिए फिर एक इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स जो है वो ऐड करी गई है इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स जस्ट बिफोर टॉपिक नंबर ट्वेल्व जो है वो ऐड की गई है आइए ज़रा देखते हैं तो हमारा टॉपिक नंबर एलेवन जो है वो क्या चल रहा था वो चल रहा था मॉनिटरिंग एट्सट्रा वाला चल रहा था प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट ऐसे दो आइए पढ़ते हैं ज़रा क्या है सर इस क्वेश्चन के अंदर टी एच एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्ट अकाउंट आर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ग्रेटफुल एंड लिमिटेड क्या बात है क्या बात है फॉर देंशियल वन ऑफ देंबर्स ऑफ टी एच एंड एसोसिएट्स मिस्टर वाई रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड ओके स्टेट हुए नहीं अमेंडमेंट आई है ना इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि भाई तुम्हारी दुनिया जो है वो 180 डिग्री घूम गई है कमाल करते हो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिपांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द दर्डर टू विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन अदर मैटर एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑर्डर में रिक्वेस्ट अगर आप अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आपको तो याद आ गया होगा ऑल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दो विद इन द एंटिटी फ्रॉम फ्रॉम होम ऑडिटर डिटेन इट नेसेसरी टू ऑडिट एविडेंस कमाल है भैया स्टडी स्टडी दुष्टो पढ़ लो चलो आ जाओ इस वाले को थोड़ा छोटा कर देते हैं ना चलो आगे चलते हैं चलते जाओ 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 हो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ करेक्ट नया ऐड हुए हैं स स्टडी आ गई थी इसमें हाँ वीरू वाली केस स्टडी आ चुकी है ये एमसीक्यूज जो हैं अब आपको कहां मिलेंगे अच्छा ये भी समझ लो ये वाले जो एमसीक्यूज हैं अगर आप ये ढूंढ रहे हैं तो सर ये आईसीए अलग से बुकलेट निकाली सारे एमसीक्यूज जो हैं उसमें डाल दिए हैं तो आपको ये वो एमसीक्यूज वहां पर मिलने वाले हैं करेक्ट इन करेक्ट में अगर देखें पहले पांच थे अब हो गए भाई साहब नौ एन ऑडिटर इज कंसिडर्ड टू लैक इंडिपेंडेंस इफ द पार्टनर ऑफ द ऑडिट डील्स इन शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड एंटिटी क्या बोलती पब्लिक मुझे बताओ जल्दी से बताओ क्या बोलती पब्लिक तो सर जी इसमें बोलेंगे बिल्कुल ठीक है जी ये तो बिल्कुल करेक्ट मामला है क्यों करेक्ट है सर अगर मैं आपको अभी के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको जो है इंडिपेंडेंस की कुछ थ्रेट बताई गई थी कमौन उसमें सर आपके पास आती थी एडवोकेसी थ्रेट याद रखिएगा डील्स डील्स विथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ राइट तो आपके लिए एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगी इसलिए सर ऑडिडर के पास क्या होगा लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आइए अगला करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ते हैं जो सर आपके लिए अमेंडमेंट आया है भाई अमेंडमेंट में ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑर्डिनेरली रिटेन बाई दर फॉर मिनम सिक्स नहीं हम, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं ना हमने तो एसक्यूसी वन पढ़ाई नहीं है हमने तो ऐसे दो सौ तीस पढ़ाई नहीं है टेंशन पीरियड क्या था इट शुड नॉट बी शॉर्टर दैन सेवन ईयर्स हाँ जी इट शुड नॉट बी शॉर्टर दैन सेवन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिपोर्ट ओके लीजिए सर जी अगला चलते हैं मिस्टर मिस्टर एस वन ऑफ द न्यू टीम में फ दू डॉर दर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए नॉ एट ओनली नॉलेज ऑफ डायरेक्ट छोड़ दें हम जॉब छोड़ दें इनकरेक्ट भैया हमें तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए यार डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और बाकी सारे लॉज जो हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए वैसे इन्होंने बोला है वेर इज नो नॉलेज ऑफ इन टैक्स इज रिक्वायर्ड पता लगाओ इनका पता लगाओ इनका अगला अकॉर्डिंग टू मिस्टर एच वन ऑफ द टीम मेमर्स ऑफ ऑडिटर वेरी असेंशियल लिमिटेड क्या नाम रख रहे हैं दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भाई साहब ये मिस्टर एच जो हैं टीम मेम्बर हैं किसके ऑडिटर वेरी असेंशियल लिमिटेड और इनका व्यू है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कोई को रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता घर से उठा लो इनको इनको घर से उठा लो भाई साहब गलत है इनका व्यू पॉइंट बिल्कुल गलत है इनका व्यू पॉइंट सर जी ऑडिट क्या है ऑडिट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो कंडक्ट होता है ओके okay? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है आपके अकाउंट से तो अगर आपको सर ऑडिट ढंग से कंडक्ट करना है तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसीज का ज्ञान जो है वो भर भर के होना चाहिए लीजिए तो पहली बात सुन लीजिए ये जो एम सी क्यूज है मित्रों ये जो एम सी क्यूज हैं ये एम सी क्यूज आपके लिए अलग से एक बुकलेट में आ गए हैं करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट जो हमने कर ली है अब बात करते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन की आ जाओ थ्योरी वाले क्वेश्चन में ओ oh, पहले चार थ्योरी के क्वेश्चन थे जी हाँ भाई और बहनों अब चार और ऐड कर दिए गए हैं आपके शहर में पहली बार जी हाँ चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन एबिलिटी टू ऑबटेन ऑडिट एविडेंस नहीं मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ इस बात का अरे भाई हमें इनर लिमिटेशन से तो समझानी है या नहीं समझानी है मुझे बताओ नहीं बता दो मुझे तो आप सर बताएंगे इसमें सर जो ऑडिट प्रोसीजर वाला पॉइंट है आप वो उसके अंदर समझा के आएंगे कि भाई बात ऐसी है अगर आप देखें पहले तो मैनेजमेंट वाली फिर थी ऑडिटर्स वाली तो आप उसमें बता के आएंगे ना भैया फ्रॉड जो होता है वो सोफिस्टिकेटेड होता है फिर ये बताएंगे कि भैया मैनेजमेंट जो है वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती फिर तीसरा पॉइंट होता है ऑडिट है इन्वेस्टिगेशन नहीं है चलो टिका मारो देन इन केस ऑफ सर्टन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटीरियल स्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट ओके ओके केस ऑन सर्टन सब्जेक्ट में बिल्कुल ठीक है सर एक्सप्लेन अरे क्या करें हम ये भी इन लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछ लिए हैं याद कीजिए फ्रॉड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप याद करो लॉ एंड रेगुलेशन और फ्यूचर इवेंट्स क्या बात है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एज पर एस से टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शुड ऑबटेन इन्फॉर्मेशन कंसिडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसिस बिफोर एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट विद ए न्यू क्लाइंट एंड विद एन डिसाइडिंग बहुत आसान क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मैं मतलब मैं तो पढ़ के ही ऐसे कह रहा कि क्या नया पूछ लिया आपने अगर आप लोग ध्यान से देखें हमारे नोट्स के अंदर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा बताया गया है लिखा गया है और उसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया गया है ओके okay? तो so ये पता है कौन सा क्वेश्चन इसमें चार बातें बतानी होती थी कि भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी ओके okay. फिर देखेंगे एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है या नहीं फिर देखेंगे भाई हमारी जो एंगेजमेंट टीम है वो रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से जो है मीट कर पा रही है नहीं उसकी रिक्वायरमेंट्स और फिर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो सर करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में आए थे और उनका इंप्लीकेशन क्या होगा हमारे रिलेशनशिप पे हमारे रिलेशनशिप पे मतलब तुम्हारे और कंपनी के छोड़ दो उनकी यादें चली गई वो आ जाओ एट्थ एन ऑडिटर हु बिफोर कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड ओके इज़ रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसिडर द अप्रोप्रेटनेस ऑफ डूइंग सो बिल्कुल ठीक है सर जी ऐसे दो सौ दस में आपने टॉपिक जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है कि अगर चेंज अगर एंगेजमेंट में कोई भी चेंज होता है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए अप्रोप्रेटनेस जरूर चेक करनी चाहिए और क्लाइंट हो सकता है रिक्वेस्ट करे सर जी क्यों रिक्वेस्ट करे हो सकता है सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो कमऑन कम ऑन हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो एज टू नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज तो उस केस में आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं ऑडिटर जरूर कंसिडर करेगा कि भाई रीज़न क्या है रीजन मांगेगा रीजन मांगेगा और उसका इम्प्लीकेशन देखेगा कि भाई उसका इम्प्लीकेशन जो है वो क्या आ रहा है और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है अरे पढ़ा हुआ है हमने ऑडिटर को लगता है अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो वो क्या करने वाला है फिर सर जी वो अपना काम आगे बढ़ाएगा लेकिन नए टर्म्स रिकॉर्ड भी करेगा लेकिन ध्यान रखिएगा वो अपनी रिपोर्ट में कन्फ्यूजन ना हो जाए इसके लिए कभी भी ओरिजिनल एंगेजमेंट का रेफरेंस जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा और साथ साथ में जो प्रोसीजर्स उसने लगाए थे जो प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए थे ओरिजिनल एंगेजमेंट में वो भी जो वो है रेफर नहीं करेगा ओके कमौन बताइए और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो सर जी उसे एंगेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना ये मैं सब आपको बता रहा हूँ मैंने आपको पहले बता रखा है और जो अगर रीजनेबल एंगेज अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो अपना ये एंगेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट भी बिल्कुल नहीं करेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर सर जी नए टर्म्स एग्री हो जाते हैं तो उसे वो टर्म्स जो है वो रिकॉर्ड भी करने चाहिए रिकॉर्ड भी करने चाहिए आप एक बार इसका आंसर पढ़िएगा आपको बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे मिलेगा राइट right. और अगर ऑडिटर सर एग्री नहीं करता है चेंज के लिए और मैनेजमेंट जो है सो परमिट नहीं करती है कंटिन्यू करने के लिए ओरिजिनल टर्म्स पे तो ऑलिटर क्या करेगा विद्रॉ कर लेगा सर जी इफ इट इज पॉसिबल ही विल विदड्रॉ और साथ साथ में अपनी ऑब्लिगेशन चेक करेगा ईदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज कि भाई उसने ये जो सर्कमस्टांसिस रिपोर्ट करने हैं टू अदर पार्टीज सच एज़ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ओनर्स एंड रेगुलेटर्स एग्जैक्टली सेम चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं राइट right. तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारा चैप्टर वन जो है हमारा चैप्टर वन मित्रों यहां पे खत्म हो जाता है चैप्टर वन के जो भी अपडेट्स अमेंडमेंट्स जो भी चेंजेस आए थे उस सारे के सारे चेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं राइट तो अब हम बात करेंगे मित्रों किसकी चैप्टर टू की ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू आज जाओ जी अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर टू की तो एज यूजल यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग ओल्ड के साथ और यहाँ पे चल रहे हैं मित्रों हम लोग किसके साथ न्यू के साथ राइट तो अब ज़रा चलना शुरू करते हैं जल्दी से ओल्ड और न्यू को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली अमेंडमेंट अपडेट अपडेट ऑडिट प्लानिंग कहते जी प्लानिंग एंड ऑडिब्लिशिंग दी ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एक बार सच सच बताना सच सच जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नहीं कि ऑडिट प्लानिंग एक अलग वर्ड है और ऑडिट प्लान एक अलग वर्ड है जब हम प्लानिंग एंड ऑडिट बोलते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट तो उसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं स्ट्रैटी भी और आपका ऑडिट प्लान भी राइट right. तो वही चीज़ जो है यहाँ पे क्लैरिफाई की गई है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है हमारी बातों को और वही अपडेट डाल रहा है देखिए प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व प्लानिंग में क्या होती है सर दो चीज़ें होती हैं एक तो होती है सर जी क्या आपकी स्ट्रैटेजी और दूसरा आता है मित्रों आपका क्या ऑडिट प्लान ये बात आपको बचपन से मैंने बता रखी है सो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट अपडेट या जो भी आप लोग कहना चाहें जो भी आप लोग हट दिखाना चाहें वो यही है, है। आइए देन चलते हैं ये लो भाई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको कुछ उन एग्जाम्पल्स को देखने चलते हैं एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर गाइड करना चाहूँगा मित्रों और वो चीज़ ये है कि आजकल आई से ना क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स सो वो एग्जाम्पल्स आपको जो है यहाँ से उठाने हैं और एग्जाम्पल्स जो है वो आपको देने हैं सो so, जैसे कि आपकी इस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है तो पहले थोड़े से कम एग्जाम्पल दे रखे थे अब आपका डी पॉइंट पे भी जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है डी पॉइंट क्या था कंसिडर दी रिजल्ट ऑफ फिल्मी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़

अदर एंगेजमेंट्स में आप लोग इन्वॉल्व थे एंटीटी के साथ उसमें आपको कोई और नॉलेज आई थी तो उसका जो है ज़रूर आप लोग जो है ध्यान में रखें अब यहाँ पे जो है उसका एग्जाम्पल दे दिया है प्रिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर दे में बी हायर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट राइट सो आपने जो शुरू में आपने देखा बल्कि मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है बेटा सिग्निफिकेंट रिस्क कमॉन जहाँ पे ऑडिटर का अटेंशन लाना जो है जहाँ पे ऑडिटर का अटेंशन जो है वो जरूरी हो जाती है ऐसे तीन सौ ज़रा तो बेसिकली सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है जहाँ पे सर जी स्पेशल ऑडिट कंसिड्रेशन जो है रिक्वायर्ड होती है ऑडिटर की तरफ से अच्छा और बता दें अब और क्या हो सकता है इसके अंदर प्रीवियस ऑडिट के रिजल्ट प्रीवियस ऑडिट के रिज़ल्ट याद रखिएगा आपसे आपसे बोला क्या जा रहा है ओवरऑल ऑडिट जब स्ट्रेटजी आप स्टैब्लिश करते हैं तो आपने कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने हैं तो उसमें सर आपको एक पॉइंट है उसके एग्जांपल्स जो हैं एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं जैसे कि आपके सिग्निफिकेंट uh, रिस्क के एरियाज़ की पहले जो आपने करी थी उसका आप देख सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी प्रीवियस ऑडिट जो आपने करे थे हाँ जी प्रीवियस ऑडिट्स जो आपने करे थे और उसमें जो आपने इवेल्युएट करा था किसको आईसी को उसका इंपैक्ट जो है आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट जो है आप देख सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर राइट right? तो ये तीन एग्जाम्पल जो है वो एड कर दिए गए हैं आई अब आगे चलते हैं ऐसे ही असट इन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स नेसेसरी फॉर परफॉर्म दी एंगेजमेंट अब इसके भी विषय इन्होंने जो है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिए हैं कि भाई आपने स्ट्रैटेजी बनाते समय जो है ये भी तो ध्यान रखना है कि किस तरह के रिसोर्स जो है रिक्वायर्ड होंगे इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए तो उसके एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं आइए मैं आपको दिखा देता हूँ उसके इन्होंने दो एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत सिंपल सिंपल एग्ज़ाम्पल्स सबसे पहले तो एंगेजमेंट टीम सिलेक्शन को लेके जो है बात की गई है कि भाई जो सिलेक्शन होनी है एंगेजमेंट टीम की और जो असाइनमेंट होना ऑडिट वर्क का और वो जो है सर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हो उन एरियाज़ में हो जहाँ पे सर जी एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को उन एरियाज में इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस है राइट और हर एंगेजमेंट टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो है उसको जो है वर्क असाइन किया जाए देन एंगेजमेंट बजटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई कितने जो है हमारे मैनार्ज रखने वाले हैं और उसके हिसाब से जो है हमें एंगेजमेंट की बजटिंग करनी जरूरी है कि क्या कॉस्टिंग आने वाली है और स्पेसिफिकली उन एरियाज़ के लिए हमें जो है आ, अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो अलग से रखना है कि भाई जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मिडिल मिस्टेटमेंट है तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है आपको दिया जा रहा है अगर आप लोगों तो ने क्वेश्चंस पढ़े हुए ना पहले से रिलेटेड तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये एग्जाम्पल्स जो questions है क्वेश्चन में वहाँ पे कवर्ड हैं आइए अब चलते हैं आगे और देखते चलते हैं अब यहाँ पर इन्होंने सर क्या ऐड किया है ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ सो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए थे और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर एड ऑन की गई हैं राइट कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे ऐड ऑन करी गई कैसे ज़रा दिखाता हूँ आपको बल्कि एड ऑन की जगह क्या है बस बुलेटिंग कर दी गई है और ये गलत ही है यहाँ पे एनर्जी सप्लाई एंड कॉस्ट जो है वो यहीं पे ऐड हो जाना चाहिए था और एज सच यहाँ पे कोई जो है चेंज नहीं है राइट एज इट इज़ ही है तो चलते रहिए आगे चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए ये देखिए यहाँ पे सर ऐसे तीन सौ ये ऐसे तीन सौ का ही पार्ट है जब मैं फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सर ये चीज़ हम लोग कवर भी कराते हैं अब अभी तक सर इंटरमीडिएट में जो ऐसे तीन सौ में से नहीं उठाया जा रहा था बट अब ये जो है ऐसे तीन सौ में इंक्लूड कर दिया गया है और ये क्या टॉपिक है आपका ये आपका टॉपिक है सर जी एडिशनल कंसड्रेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट प्लानिंग करते समय जब आपके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स आएंगे यानी जो आपका फर्स्ट टाइम आप किसी का ऑडिट कर रहे होंगे आपको पता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है चलो मुझे कॉमेंट बॉक्स में सबसे लेते हुए तो ऐसे बताओ जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से डील करता है अब ऐसे 300 में स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ दिया गया है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को लेके वो पहले इंटरमीडिएट की बुक में नहीं था अब इन्होंने सर कवर कर दिया लेकिन मैं बता दूं वो थ्री 300 में शुरू से ही था और यहां पे जितनी चीज़ आपको बताई गई है मैं बताता हूं कि क्या है वो चीज़ें नंबर वन आपको कह रहे हैं कि सर जब आप फर्स्ट टाइम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो ऐसे टू ट्वेंटी के जो प्रोसीजर्स थे याद कीजिए अभी हमने डिस्कस भी किए थे कि भाई इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट देख लो एंगेजमेंट टीम की कैपेबिलिटी देख लो एंगेजमेंट टीम की एथिकल रिक्वायरमेंट्स देख लो एटसेट्रा एटसेट्रा तो वो प्रोसीजर्स जो हैं वो जरूर 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 लगाने हैं और साथ साथ में आपको क्या बताया जा रहा है साथ साथ में आपको एक चीज़ और कही जा रही है कि भैया आप लोगों ने प्रोडिसेसर ऑर्डर से जो है ज़रूर कॉम्युनिकेट करना है ऑल ये आपके लेवल का नहीं है सी फाइनल में आता है कि अगर मैं किसी कंपनी uh, का ऑडिट करने जा रहा हूँ और उसका ऑडिटर पहले से कोई और था तो भाई जब मैं आऊंगा तो मुझे पिछले वाले ऑडिटर से जो है कम्युनिकेट करना है उसका पूरा मोड बताया गया कैसे कम्युनिकेट करना है अगर नहीं करता हूँ मैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ओके और इस पर मैं चर्चा भी करता हूं क्लास में कि और बताता भी हूं कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बट एनीवेज आइए यहां पे यह चीज़ जो है ऐड कर दी गई है पढ़ लेते हैं द ऑर्डर शैल अंडरटेक

चलते हैं सर जी चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं एक मिनट आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना कि भाई आपने जो है पुराने ऑर्डर से कम्युनिकेट करना है जहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर हुआ इन कम्पलाइंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो चार्टड अकाउंटेंट्स एक्ट्स के प्रोफेशनल जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स है सी फाइनल में उसमें कवर आपको कराया जाता है चार्टड अकाउंटेंट एक्ट के जो स्केड्यूल्स हैं उसमें कवर कराया जाता है आइए नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं जल्दी से लीजिए सो so, आपको सर एक ऑडिट प्लानिंग एंड मेटेलिटी के अंदर जो है एक पैराग्राफ ऐड किया गया है आइए ज़रा उसको भी जल्दी से देख लेते हैं टॉपिक नंबर ट्वेल्व जो आपका आता था ऑडिट प्लानिंग एंड मेटरलिटी उसके अंदर जो है ये एडिशन किया गया है पहले सिर्फ आपको एक पैराग्राफ पढ़ने को मिलता था अब सर जी आपको जो है एक्स्ट्रा दो तीन पैराग्राफ डाले गए हैं आइए उनकी भी एक बार जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं ओके एंड सच बताऊं अगर आप लोगों ने मुझसे क्लासेस ले रखी मुझसे पढ़ा हुआ है तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं इतना डिस्कशन तो हम क्लास में वैसे ही कर देते हैं आइए एक एक लाइन पढ़ेंगे और आप लोगों से बुलवाएंगे आपको पता है कि नहीं पता है राइट एट द प्लानिंग स्टेज द हॉटर नीड्स टू कंसिडर मेडिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बताइए इसमें क्या ऐसी बात दी जो मैं नहीं पता ये प्लानिंग करते समय जो है आपने क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मेटेलिटी को कंसिडर करना है ऑडिटर को क्या करना है सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स और मेटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है एंड मेटिल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजर को जो है आइडेंटिफाई करना है बिल्कुल ठीक है सर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स बोले तो क्या कॉम्पोनेंट्स बोले तो क्या सर जी आपके आप आपको दो एंगल से देख सकते हो एक आपका कॉम्पोनेंट्स हो गया पी एंड एल बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्पोनेंट फिर मेटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ये देखिए ट्रांजेक् ये ती, तीनों वर्ड ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर यही तो हमारा ऑडिट का बेस बनता है सर इन्हीं की तो असेंस चेक करनी होती है हमें तो अभी तक इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया इन्होंने कि भाई मैं कहूं कि भाई मजा आ गया आ जाओ वट कुड बी कंसिडर मेटीरियल फॉर ऑल सिचुएशन कैन नॉट भी डिफाइंड प्रिसाइसली एंड एन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन मेटीरियल इन सिचुएशन में नॉट भी मेटीरियल इन अदर सिचुएशन क्लास में एग्जाम्पल दे दे के थक गया दस रुपए के नोट का याद कीजिए संजू मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको एनी वेज कह रहे जी पांच हजार में भी मेटीरियल फॉर स्मॉल एंटिटी बट इवन रुपीज वन लैक में नॉट मेटेरियल फॉर लार्ज एंटिटी सेम एग्जाम्पल हम लोग क्लास में पिक करते हैं द ऑडिटर हैज टू अपलाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग मेटरिटी चूजिंग अप्रोपेट बेंचमार्क एंड डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ बेंच कुछ भी ऐसी लाइन आपको लगे जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करी मुझे पकड़ लीजिएगा आप आगे बोलना सर बताओ ये आपने नहीं बताया था मेटिलिटी मेटर्लिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिटरनेशन ऑफ ऑडिट स्कोप एंडवल ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट प्लीज मार्क कर लीजिए इसको इसमें से आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्टली exactly ये लाइन दे दी जाएगी और बोलेंगे जी एक्सप्लेन बोलेंगे एक्सप्लेन आपने यही चीज फिर एक्सप्लेन करके आ जानी है कि मेटिलिटी से ही जो है ऑडिट स्कोप डिसाइड होता है और लेवल ऑफ टेस्टिंग डिसाइड होती है तो सिंपल है ना सर आप इस बात को ऐसे समझिए अगर मेटेरलिटी मैंने ज़्यादा रखी है तो टेस्टिंग मेरी क्या होने वाली है कम होने वाली है ना है ना भाई क्यों कम होने वाली है क्योंकि सर जी मैं मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर रोमम कम है मैं ये समझ रहा हूँ कि सर यहाँ पे गलती होने के चांसेस जो है वो कम है मिडिल लेवल मैंने हाई रखा है काफ़ी सारी चीज़ें सर उसके नीचे से जो है निकल जाएंगी यानी मैंने ये देखा है कि भाई इससे जो मैंने हाई लेवल रखा है इससे नीचे की चीज़ें मेरे लिए मटेरियल है ही नहीं राइट सो लेवल ऑफ टेस्टिंग उस पर डिपेंड करता है ऑडिट कितना होगा कितनी डिटेल में होगा ये इस पर जो है डिपेंड करता है लेवल ऑफ़ मेटरिटी पर एज पर थ्री ट्वेंटी मेटिलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट अब मैं मतलब मैं मैं कहाँ जाऊँ मतलब मुझे बताओ ये मेटिलिटी की डेफिनेशन सर यहाँ पे बता रहे हैं सर दोबारा से आपको प्लीज एक बार आप देखिए अपने बुक्स में क्या हमने ये एग्जैक्ट डेफिनेशन समझी और रटी दोनों हैं या नहीं अच्छा इफ देर इज एन इफ देर इज एनी स्टैचुररी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कलोजर इट्स टू बी कंसिडर मेटेरियर रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ अमाउंट आप मुझे बता दीजिए हमने कवर किया है कि नहीं किया है इसके नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है कंपनी लॉ वाला वो हमने कवर किया है कि नहीं किया है एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने कवर ना करी हो सर जी ओके वाइल जजिंग मेटिलिटी सिग्निफिकेंस ऑफ एन आइटम हैज टू बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव मेटिलिटी ऑफ एन आइटम ए बी जज बाय कंसिड द इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बैलेंस शीट और इन टोटल ऑफ द कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंडिचर और इनकम टू इट विच इट्स रिटेन और एंड ऑन इट्स कंपेरिजन विद कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एक भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही कि सर जो हमें नहीं पता हो जब आप मेटिलिटी देख रहे होंगे तो आपने जो है उस आइटम के सिग्निफिकेंस को भी ध्यान में रखना है मैंने तो बल्कि ये भी बताया था कि भाई एक रुपये का आइटम ही मटीरियल हो सकता है संजू मूवी में याद कीजिए दस रुपये का नोट भी बहुत मटीरियल था राइट right? सो so, वो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसके उसके इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं ओके चलिए सो अब सर ये हमारा एक और ये जो अमेंडमेंट आई है अपडेट आए हैं वो सब हमने यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिए आगे चलते जाते हैं ये लो भाई ये लो आपके करेक्ट इनकरेक्ट में दो नए करेक्ट इनकरेक्ट एड हुए हैं और याद रखिएगा ये जो एमसीक्यूज सी क्यूज आपको देखने बच्चों पुराने वाले ये आई ने अलग से बुकलेट बना दी और एक बात आपको और बोलना चाहूंगा प्लीज ये एम की बुक्स खरीदना बंद करो मुझे तो समझ नहीं आता लोग बाग एम सी क्यू आई कॉपी करते हैं और आपको बेच देते हैं और आप खरीद लेते हो अरे आई ने खुद एम की बुक निकाल रखी है उससे पढ़ो यार कमॉन आइए जरा चलते हैं आगे देखते हैं हम हमारे पास जो है दो क्वेश्चन जो है ऐड हुए हैं अ डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम वंस प्रिपेयर फॉर बिजनेस कैन बी यूज़ फॉर ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस कमाल करते हो पांडे जी नो इन करेक्ट द ऑडिट प्लान इज़ मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी आप लोग बताएंगे इसका आंसर सिक्स का आंसर मुझे जल्दी से बताइए आप लोग कि भैया ऑडिट प्लान जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है नहीं बता दो मुझे ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल होता बिल्कुल सर जी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी तो हम लोग क्या करते हैं अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी तो मैं आपको बताता हूँ एक पेज पर आप ओर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना देते हो ऑडिट की राइट लेकिन प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है ओके okay? लीजिए सो so, ये हमारे साथ करेक्ट एंड करेक्ट हो गए और थ्योरी वाले क्वेश्चन देखें दो नए थ्योरी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं इज़ इट नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्लान मैं जनरली पूछता हूँ आपसे मुझे बताइए इज इट नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट ऑडिट प्लान येस इफ सो वॉट ऑल दी एक्टिविटीज़ इन प्लानिंग फेज नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड स्टेट विद एग्जाम्पल तो इसका आंसर जो है ना आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा इससे बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं है, ये देखिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्लानिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे आपको बता रखी है कि भाई आपको क्या क्या है जो है डॉक्यूमेंट करना चाहिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था क्या ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करना चाहिए यस yes, बिल्कुल करना चाहिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए तो सर जी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हुए हैं वो आपको जरूर 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 डॉक्यूमेंट करनी चाहिए दैन तो उसके बाद आप लोग इसमें से भी जो है इस पैराग्राफ में से भी जो है अपना आंसर पिक कर सकते हैं और ये है मेन आपको जो एग्ज़ाम्पल्स देने हैं आपको जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो हैं सर जी मेन समरी ऑफ डिस्कशन क्या डिस्कशन हुआ आपका की डिसीजन मेकर से ऑडिट कमेटी अगर है तो अब ऑडिट कमेटी मुझे समझ नहीं आता बच्चा दूसरे चैप्टर में है आप उसे ऑडिट कमेटी की बातें कर रहे हो उसको एग्जाम्पल दे रहे हो जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है सिलेबस उसे तो पता है लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ चुका है सर उसको दिक्कत है थोड़ी सी बट कोई बात नहीं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विस वेयर एवर रिक्वायर्ड रिक्क्वायड मतलब वही अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर्स अब भाई ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर्स में क्या है सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है ऑर्डर की अगर वो चाहे तो सर जी क्लाइंट को एक्सेस दे सकता है लेकिन उससे उसकी इंडिपेंडेंस पे जो है वो कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए तो उससे रिलेटेड जो लेटर है उसकी बात चल रही है अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट और दोस्त चार विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द स्कोप और चेंजेस इन स्कोप जैसे हमने पढ़ा था कि अगर इन बिटवीन आप जो है स्कोप ऑफ ऑडिट चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए ऑर्डर रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बात है क्या बात है क्या बात है एंड अदर रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड इन द एंगेजमेंट एग्रीमेंट एग्जाम्पल डेट कोवेनेंट कम्पलाइंस लेटर एट्सेट्रा तो बेसिकली ये तो सर आपने पूरा का पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रेलेटेड बातें कर दी हैं आई डोंट अग्री विद दिस बट सर आई सी एन एग्जाम्पल मांगे हैं तो so, सर हम यही एग्जाम्पल जो है वो दे के आएंगे ओके okay. हाँ सो so, आप यहाँ से शुरू करेंगे कि भाई ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है और फिर आप ये एग्जाम्पल्स दे इस आंसर को खत्म करेंगे इस पैराग्राफ को भी आप एक बार पढ़ सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं सो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ जो भी आपका नेचर टाइम एंड एक्सटेंड था रैप का और फैप का ऑब्वियसली ये तो सर जी आएगा ही आएगा एट द सेशन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द एस रिस्क और साथ साथ में आपके लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है कि प्रॉपर जो प्लानिंग हुई थी ऑडिट की आ, ऑडिट प्रोसेस जो प्रॉपरली प्लान थे और ये फिर आपको जो है रिव्यू करवाने में भी हेल्प करने वाला है जब आपके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू या पीयर रिव्यू जो आप सी ई फाइनल पढ़ेंगे जब आपके साथ वो होंगे ओके देन ऑडिटर में यूज दी स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस एसेट्रा वो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन में लगानी चाहिए और अगर कोई चेंज हुआ ऑडिट स्ट्रैटेजी में प्लान में वो भी लगाना चाहिए और उसकी वजह से जो एन ऑफ ऑडिट प्रोसेस में चेंज हुआ है वो भी हमें जो है वो लगाना चाहिए और साथ में उनके रीजनस भी रखने चाहिए कि भाई वो चेंज जो है वो क्यों हुआ था ओके, okay. so, इस तरीके से आप लोग जो है अपना ये पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे सिक्स वाला जो भी हमने डिस्कस किया सिक्स था ना कौन सा था आजा भाई आजा, आगे तो नहीं पहुंच गए हम लोग नहीं ये लीजिए देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वेदर अ स्टेमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन मेटेलिटी फॉर द फाइनेंशियल दाइनेंशियल होल कूड रीजनबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस दी इकोनॉमिक डिसीजन टेकन ऑन द बेस ऑफ यस बिल्कुल सर जी एक सौ एक परसेंट चाहे मेटिलिटी से कम की हो तब भी सर जी वो इन्फ्लुएंस कर सकती है बिल्कुल कर सकती है परफॉर्मेंस मैंटिलिटी नाम की चीज़ आपने पढ़ी है हाँ पढ़ी है आपने लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट पढ़ी है बिल्कुल पढ़ी है सर तो याद रखिएगा कि सर वो भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है आपके डिसीजन को तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ओके इसका आंसर आपको परफॉर्मेंस मैंटिलिटी में बिल्कुल मिल जाएगा और वही आंसर आप लिख के आएंगे अभी बता सकते हैं कि लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो सर वो भी आपके लिए मैटिलिटी हो सकता है लेवल फॉर में एज होल से कम हो बट इट कुड ऑल्सो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके सो परफॉर्मेंस मेंटेलिटी आप यहां पे एक्सप्लेन करेंगे और साथ में आप यहां पे एक्सप्लेन करेंगे क्या uh, आपका लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वो भी जो है आप यहां पे एक्सप्लेन जरूर 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 करेंगे आइए अब देखते हैं और कोई चेंज हमारे पास है क्या नहीं, नहीं, नहीं चैप्टर थ्री जो है हमारे पास आ गया है अब हमने चलना है मित्रों चैप्टर नंबर थ्री के अंदर ओके आइए अब चैप्टर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं ओके चलो भाई, चलो भाई चलो भाई चलो भाई लो भाई तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसे 230 सौ जहां शुरू होता है वहीं पे एक छोटा सा जो है वो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है अमेंडमेंट या अपडेशन राइट ऐसे दो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली ऐसे दो का ऑब्जेक्टिव उठा के जो यहाँ पर डाल दिया है कि ऐसे दो में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सो so, क्या लिखा है जी डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ टू बी अडॉप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसिस वैन अपलाई टू ऑडिट ऑफ अदर अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इनफॉर्मेशन कोई काम की बात नहीं द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एस एस डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऐसे मतलब क्या कहना चाहते हैं सर ये बात अंडरस्टूड है पहले से ही कि भाई इस ऐसे में जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो तो करनी है और अगर किसी और ऐसे में लिखिए वो भी करनी है तो यू नो इट हार्डली मैटर्स लॉ एंड रेगुलेशन में स्टैब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट तो वो हमें करनी ही पड़ेगी तो एज सच मैं इसको कोई भी जो है वो mm -hmm. uh, अपडेट नहीं मान रहा किसी भी तरीके से देन उसके बाद जो डेफिनेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर आप देखें तो पहले ऑडिट डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग से नहीं दे रखा अब अलग से दे दिया है और ये हमारे सारे बच्चों को बताइए ए पी ए सी राइट ए पी ए सी ए पी एंड सी आइए देन अगेन अगेन ऑब्जेक्टिव ऑर्डर बताया गया कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेके जो है ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ताकि उसे क्या मिल पाए सफिशेंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं तो सर ये पहले से ही आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ आप अगर हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर देखेंगे उसमें जो चार्ट देखेंगे उसमें बात लिखी हुई है एविडेंस दट ऑडिट वॉज प्लान एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक्जैक्टली सेम चीज आपको पहले से ही हमारी बुक के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी देन एक इलिस्ट्रेशन एड की गई है इलिस्ट्रेशन वन अव टीम मेंबर ऑफ ऑडि ऑफ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड वॉज द व्यू दट ऑडि डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच एक्सप्लेन वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज एनी रिलेशन विद रिगार्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ द कंपनी बिल्कुल सर जी जबरदस्त रिलेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर आपको हेल्प करती है प्लानिंग के अंदर और साथ साथ में कंडक्टिंग के अंदर भी हेल्प करती है जो पुराने साल की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको इस साल की प्लानिंग के अंदर हेल्प करेगी और जो इस साल की डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी इस साल की प्लानिंग के अंदर हेल्प करेगी अब ऐसा मत सोचिएगा सर प्लानिंग तो पहले होती है बेटा प्लानिंग जो है ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज भी हो सकती है बात हमको सबको पता है राइट एंड डॉक्यूमेंटेशन से ही आगे हमारा कंडक्ट ऑफ ऑडिट पे भी बहुत इंपैक्ट आता आ सकता है हमारे नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस जो है वो भी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे चेंज हो सकते हैं आइए देन सर एक जो एडिशनल टॉपिक इसके अंदर ऐड किया गया है वो किया गया है क्या फॉर्म कॉन्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लीजिए फॉर्म कॉन्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन राइट तो पहले आपका ये तो आ जाता था फैक्टर जिसपे चीज़ें डिपेंड करती हैं राइट right. लेकिन अब से इन्होंने अलग से जो है एक टॉपिक डाल दिया है इसके अंदर 1.5 1.5 के नाम से पहले पे आपका था ऑडिट फाइल और अब यहां डॉक्यूमेंटेशन तो आ चुका है फिर कुछ टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले वन पे था अगर आप यहां पर नोट करना चाहें तो देखिए अभी यहाँ पे टॉपिक का जो नंबर है ना वो भी यहां पर चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है अगर मैं यहां पर देखू ओल्ड वाले में तो यहाँ पे 1.4 जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से डील करता था तो हमारे लिए ये वाला टॉपिक जो है 1.5 पे हमें एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ना पड़ेगा ओके okay. सो so इससे ऊपर के टॉपिक्स पे भी एक बार नजर मारते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दोनों तरफ मैं टिक करता जाता हूँ नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें तो ये कहाँ से ऊपर से चेंज होता हुआ आ रहा है बेसिकली आपका वन 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 जो था वो नेचर पर था यहाँ पे 1.1 पॉइंट डेफिनेशन बना दिया है फिर 1.2 आपका ऑब्जेक्टिव बना दिया है जो पहले था ही नहीं और 1.3 जो है आपका नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जो पहले 1.1 पे था पर्पस हमारा बिल्कुल सेम है कोई चेंज नहीं है फिर एक इलिस्ट्रेशन डाली और उसके बाद फॉर्म एंड कॉन्टेंट वाला जो पॉइंट था फॉर्म एंड कॉन्टेंट सीधा आपका यहाँ से शुरू होता था कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस जिसपे फॉर्म एंड कॉन्टेंट डिपेंड करता है अब उसके ऊपर आप लोगों को पढ़ने के लिए जो है एक कॉन्टेंट पीस दे दिया गया है और मजे की बात यह है कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो मित्रों हमने ये वाला पोर्शन आपको पहले ही कवर करा रखा था आप प्लीज़ हमारा जो चैप्टर थ्री के नोट्स हैं उन पर जाकर देखिए आपको नजर आएगा फॉर्म कॉन्टेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक टॉपिक जिसमें सर साफ साफ लिखा है कि भाई ऑडिटर को अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसी बनानी चाहिए कि एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ आ पाए एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द ऑडिट एविडेंस टेन एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए थे ड्यूरिंग द ऑडिट और कंक्लूजन उन पर क्या बना और प्रोफेशनल जजमेंट क्या थी आपके उन कॉन्क्लूजन से पहुंचते समय ये पोर्शन ने पहले से ही कवर करा रखा था तो अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ जो है आपके लिए एक्स्ट्रा है अगर आप आईसीआई के नोट से पढ़ रहे हैं आईसीआई से पढ़ रहे हैं टली आपके लिए पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मिलेगा कवर कर लेते हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं थे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स दिखाता हूं तो मैं आपको हमेशा कुछ चीज़ें बताता था आइए उसका आप यहां पर थ्योरी इंप्लीकेशन देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हमें पता है तो जब हम लोग एन जो है ऑडिट प्रोसेस के डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं हमें सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी हर उस आइटम की जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप एसेट्स को टेस्ट कर रहे हैं तो आप बताएंगे सर ये एसेट है आप बताएंगे सर ये एसेट जो है आप एसेट में कौन सी असशन जो है वो चेक करते हैं ई आर सी वी अगर आप देखते हैं आप कैश बैलेंस को चेक कर रहे हैं तो सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि किस तरह का जो है इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है या किस तरह के जो है इसकी स्पेसिफिक जो है फीचर्स हैं राइट सो आप जब भी आ, किसी आइटम को टेस्ट करेंगे तो उसकी आप करेक्ट्रिस्टिक्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो आइटम है क्या वो आइटम का ऑडिट में इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है देन उसके बाद ये दोनों चीज़ें आप प्रैक्टिकल वर्किंग पर हम एग्जाम्पल देखते हैं किसने ऑडिट वर्क किया और किस डेट पे जो है वो ऑडिट वर्क कंप्लीट किया ऐसे ही किसने फिर उसको रिव्यू किया और किस डेट तक जो है उसको रिव्यू किस डेट पर उसको रिव्यू किया गया और क्या उसके रिव्यू का एक्सटेंड था फिर ऑर्डर को और क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए जो भी डिस्कशंस हुए किससे मैनेजमेंट एंड टी से इंक्लूडिंग नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड एंड वेन एंड विद होम डिस्कशन टुक प्लेस तो क्या मैटर्स थे बेसिकली क्या मैटर्स थे और किसके साथ डिस्कशन हुआ ओके okay. अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कि इनकन्सिस्टेंट थी जो कि इनकन्सिस्टेंट थी ऑडिटर के कंक्लूजन के साथ रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर तो ऑडिटर को सर वो भी डिस्कस करना वो भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि हमने उस इनकन्सिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं ये वाला पोर्शन जो है आप बोल सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं आइए देन चलते हैं वापस से हमारे पास और क्या गया है हाँ जी ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं ऐड हो गई है एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नीचे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास तो कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपका ये ऑडिट प्रोग्राम एन ये सब चीज़ें तो आती ही थी देन इसके बाद आपके लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें है जो हैं वो लिखी गई हैं ये जो लाइन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं सर ऑडिटर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जो पुराने ड्राफ्ट्स हैं पुराने ड्राफ्ट्स हैं वर्किंग पेपर के जो सुपरसीड कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वर्किंग पेपर्स के एंड नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्लिनरी थिंकिंग प्रीवियस कॉपी एट्सेट्रा 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 उसे वो इंक्लूड नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में केस स्टडी बेस्ड के फॉर्म में तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड ड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड यानी जिसके आगे आप जिस पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन बना चुके हैं आप जो पुराने इन्फॉर्मेशन वाले आपके ड्राफ्ट थे वो आपको रखने की जरूरत नहीं है कोई इनकम्प्लीट प्रिलिमिनरी थिंकिंग थी कोई प्रीवियस कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स जिसके अंदर थे और उसके डुप्लीकेट आपको रखने की बिल्कुल भी जरूरत जो है वो नहीं है ओके चलिए सो ये एक लाइन आपके लिए ऐड हो गई देन हम आते हैं सर जी ऑडिट फाइल के बाद असेंबली पे चलने से पहले जो है देखिए ऑडिट फाइल उन्होंने जो है यहाँ पे कर दिया है उससे पहले आपका एक ये वाला एडिशन था और एक टॉपिक और आ गया टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी कब तक प्रिपेयर हो जानी चाहिए उसके ऊपर भी जो है एक एक्स्ट्रा चर्चा लाई गई है चैप्टर में और यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे कुछ ट्रू फॉल्स तरीके से एम तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपके लिए कुछ की जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ सो ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी चाहिए टाइमली बेसिस पे फर्स्ट और साथ में ये ध्यान रखना है कि सर उससे होगा क्या क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिव्यू एंड एवैल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है और कॉन्क्लूजन्स का भी रिव्यू जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो वाई ऑडिटर शुड प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस उससे क्या होगा इट विल हेल्प्स टू एनहैंस द क्वालिटी ऑफ़ द ऑडिट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव रिव्यू एंड एवेल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑबटेन्ड एंड कॉन्क्लूजनस रीच्ड राइट तो क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एनहैंस होगी और जो आपके एविडेंस या कॉन्क्लूजन हैं उनको आप रिव्यू और इवेल्यूएट कर पाएंगे बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज राइट अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ऑडिट वर्क के बाद प्रिपेयर करेंगे तो सर जी वो कम एक्यूरेट होगी उस डॉक्यूमेंटेशन से जो ऑडिट वर्क के साथ साथ जो है वो मेंटेन हो रही है आप समझिए इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं इट्स जस्ट लाइक आप लोग सर अगर क्लास ले रहे हैं क्लास के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए क्लास खत्म कर दी सारी वीडियोस देख ली सब कुछ देख लिया उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने बैठोगे दिक्कत होगी एक्जैक्टली ऑडिट में आपको कह रहे हैं सर ऑडिट चल रहा है साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बनाते चलो ऐसा मत सोचो पहले ऑडिट कर लेंगे फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे अगर आप ऑडिट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो वो लेस एक्यूरेट होंगी वो लेस इफेक्टिव होंगी उससे ऑडिट की एफिशियसी पर इम्पैक्ट आ सकता है आइए देन मूविंग फर्दर सर जी ऑडिट फाइल की डेफिनेशन को इन्होंने ऐसे तोड़ के दिखाया कि भाई देखो देखो ऑडिट फाइल जो है ना ऐसे डायग्राम बना के भी जो है वो हवाजी की जा सकती है बहुत बढ़िया आई देन एक लिस्टेशन जो है वो एड कर दी गई है वाइल ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी फॉर द फाइनेंशियल दिस टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ दिस द व्यू दैट विद रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ द कंपनी नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने क्या ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता बिल्कुल होता है सर जी बिल्कुल होता है ऑडिट फाइल तो सर जी आपको मेंटेन करनी है और ऑडिट फाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओके okay? तो ऐसा मत बोल के आ जाएगा कि रिलेशनशिप नहीं होता है और याद रखिएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सर जी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी असेंबल होनी चाहिए किसके अंदर ऑडिट फाइल के अंदर ओके आपकी सारी की सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर जाएगी ऑडिट फाइल के अंदर ही चली जाएगी ओके okay. सो so, पहले तो ऑडिट फाइल की इन्होंने डेफिनेशन बता दी कि भाई ऑडिट फाइल जो है क्या देन ऑडिटर ऑडिटेशल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल एंड कम्प्लीट ये लाइन आपके जो है एज इट इज जो आपके नोट्स में लिखी हुई है तो आपको एज सज इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आइए मूविंग फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने और वो एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट को लेकर एक एग्जाम्पल दिया है आइए देखते हैं ज़रा इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से कर लेते हैं भाई हाँ ये आपका पुराना टॉपिक वन पॉइंट सेवन था और आपका नया टॉपिक जो यहाँ पे चल रहा है वो वन पॉइंट टेन चल रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मैं आपको एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ मित्रों प्लीज इसे जरूर 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 करके जाएँ एग्जाम के लिए जरूर करके जाएँ एक बार रीडिंग करेंगे आपको समझ आएगा सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखें और एक जो है एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो है एड मेरे ख्याल से पहले भी था तो वो हमसे गलत हाईलाइट हो गया वो पहले भी था यहाँ पर ये यह लीजिए राइट right. तो पहले भी था कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है कंप्लीशन मेमोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए इन जनरल बता रहा हूं कोई अपडेट नहीं है लेकिन जरूर 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 करके जाए देन ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए इसको जरूर करके जाएं जरूर करके जाए मिस ना करें अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बना हुआ है इसके ऊपर अ डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपनी कमेंट ऑन द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर रिगार्डिंग द नहीं यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है right? राइट इसमें एक टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा ये वाला टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ मैंने बोला भी था काफी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट है ही मे 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 एट हिस डिस्क्रिशन ऑडिटर में एट हज डिस्क्रिप्शन में एक पोशन और एक्सट्रक्ट्स फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट प्रोवाइडेड सच डिस्कलोजर डज नॉट अंडरमाइन दी वैलिटी ऑफ दी वर्क परफॉर्म और इन द केस ऑफ एश्योरेंस अगेंजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ दी ऑडिटर और इस पर्सनली क्लास में बहुत अच्छा समझाया हुआ ही अपडेट नहीं है बेटा पहले से ही था इम्पॉर्टेंट है नज़र में आ गया इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करा भी दिया है आइए देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात चली सर ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात चलने के बाद हमारे पास बात कौन से आ रही है ऑडिट एविडेंस की तो ऑडिट एविडेंस में जो है वो एक ऐस से पाँच सौ का रेफरेंस इन्होंने ऐड किया है और वो क्या रेफरेंस है आइए देखते हैं तो ऐसे पाँच सौ का बेसिकली उन्होंने जो है स्कोप ऐड कर दिया कि ऐसे पाँच सौ एक्सप्लेन करता है कि भाई ऑडिट एविडेंस क्या है और साथ साथ में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू अपटेन ऑडिट टू अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन राइट ये है सर जी आपका ऐसे पाँच का एक रेफरेंस जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस हम लोग पहले ही कवर करते हैं सर हंड्रेड हमारे कोर्स में जो है कवर होती है ऐसे फाइव हंड्रेड जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको कवर कराता हूँ इलस्ट्रेशन में फोर एक ऐड हुई है यहाँ पर और वो क्या है द ऑडर ऑफ फ्रेश एंड वेल लिमिटेड एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर एक्सप्लेन व्हाट रिलेशनशिप एक्जिस्ट इन द ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर तो भाई रिलेशनशिप तो सिंपल सा है ऑडिट एविडेंस के बेस पर कंक्लूजन बनता है उसी कंक्लूजन के बेस पर ओपिनियन बनता है सो एक्जिस् अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कीवर्ड हो गया जी वेरी इंपॉर्टेंट वाई कंडक्टिंग ऑर्डर द कम्पनी ऑर्डर ऑप्टेन एवडेंस एंड विद हेल्प ऑफ दैट ऑडिट एविडेंस ऑप्टे दर्डर फॉर्म्स एंड ऑडिट ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एविडेंस के बेस पर ही क्या बनता है कॉन्क्लूजन और कॉन्क्लूजन ही हम लोग क्या करते हैं ओपिनियन के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं तो येस दर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट एमसी क्यू के स्टडी बेस्ड के लिए आइए लेट्स मूव फर्दर देन हमारे पास आता है एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर तो ये भी ऐसे 500 के रेफरेंस से उठाया गया है कैसे 500 में ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर लिखा था वहाँ से उठा लिया है आप लोगों के लिए तो आइए एक बार उसको पढ़ते हैं एक बच्चों आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा मैं छोटा सा जो सफिशियंसी एंड अप्रप्रोप्रेटनेस वाला टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं प्लीज़ सफिशेंसी एंड अप्रोप्रेटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस वाला जो टॉपिक है ना वो आप यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग जो सफिशंसी इन अप्रोप्रेटनेस आता है वो एक बार यहाँ से पढ़िएगा ऑल मैंने आपको कवर करा रखा है लेकिन आई बोलता है जी ये तीन पॉइंट्स पढ़ाओ बच्चों को तो अब ये तीन पॉइंट्स जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा एनी वापस आते हैं अपने हाईलाइटेड पोर्शन पर कि नई चीज़ जो है वो क्या एड हुई है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डर एड हुआ है तो भाई ऑब्जेक्टिव ऑर्डर हमने ऊपर ही पढ़ लिया डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन सचा वे ताकि आप लोग क्या ऑप्टेन कर पाए एंड अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर पाए जिसपे आप रीजनेबल कंक्लूजन बना पाए और जिसपे अपना ओपिनियन बेस कर पाए यह ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एज पर एस ए तो भी चल पड़ते तो भी चल जाता कोई दिक्कत नहीं थी देन इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस ये इन्होंने एक नई जो है वो ऐड कर दी है। अब ये जो सर अगला पॉइंट है ना ये मैं क्या बताऊँ हमने तो सर कवर कर रखा है अपनी बुक के अंदर आई एम श्योर हमने कवर कर रखा है ऐसे फाइव हंड्रेड वाला चैप्टर देखिए चैप्टर नंबर थ्री जिसमें हमने इसको कवर कराया है और लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा या कहीं भी हो लेकिन आपको कवर करा रखा है मैनेजमेंट एक्स, एक्सपर्ट वाला

Then वैन यूजिंग द information प्रोड्यूस ये भी एक्स्ट्रा है when using यूजिंग द produced प्रोड्यूस the एंटिटी auditor shall evaluate whether द information इज sufficiently रिलायबल फॉर द auditor's पर्पज इंक्लूडिंग नेसेसरी एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसिस तो सबसे पहले आपको जब एंटिटी ने इंफॉर्मेशन दी है तो हम लोग क्या चीज करेंगे ये दो चीजें जरूर करेंगे नंबर वन हम लोग सर एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और सर जी हम देखेंगे वेदर द दिनफॉर्मेशन सफिशेंटली प्रसाइज एंड डिटेल्ड फॉर दी ऑडिटर्स पर्पज यानी वेग इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट ने कोई वेग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी है डन बोलिए तो ये टॉपिक जो है ना इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए अपने पेपर्स के लिए क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करिए एन टी ने अब आप उसको यूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है इवेल्यूएट करेंगे राइट right. तो हम बोलेंगे सर जी बात ऐसी है हम लोग क्या करेंगे हमें तो सबसे पहले देखना है कि भी वो रिलायबल है या नहीं अब रिलायबिलिटी के बाद हम लोग सर कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बता रहे हैं जो हमने लगाने हैं जो भी इंफॉर्मेशन एंटिटी द्वारा प्रोड्यूस की है और हम उसे यूज़ करने वाले हैं तो हम उस पर ये स्पेसिफिक प्रोसेस लगाएंगे सबसे पहले हम उसकी एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस को लेकर जो है रिलेवेंस उसकी एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस को लेकर जो है ज़रूर ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे अब एक्यूरेसी और कम्पलीटनेस क्या है सर मैनेजमेंट ने आपको सेल डेटा दिया तो भैया पूरे साल का दिया या नहीं दिया है मैनेजमेंट ने आपको जो सेल डेटा दिया है कुछ एंट्रीज दे दी कुछ नहीं दी एक्यूरेसी हम लोग सर देखेंगे बिल्स वगैरह से उसको मैच करके देखेंगे ओके देन बताया इन्फॉर्मेशन सफिशेंटली प्रसाइस भाई इन्फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं वेग इन्फॉर्मेशन दे दी कितनी सेल हुई है लगभग पाँच करोड़ की सेल हुई है लगभग वट इज़ इज लगभग राइट और भाई हुई है पाँच करोड़ की तो हमें तो प्रिसाइसली बताओ पाँच करोड़ कितने लाख राइट और साथ साथ उसके बाद डिटेल्ड हमें जी पूरा डिटेल चाहिए भाई अगर आपने जो भी डिटेल्स बना रखी हो सेल्स रिलेटेड वो भी हमें दीजिए ओके Then next topic, selecting items for testing to obtain audit evidence. मेरे हिसाब से सर ये वाला पॉइंट यहाँ पे ना पढ़ा के सैम्पलिंग के साथ पढ़ाना चाहिए था बट कोई बात नहीं इन्होंने बोल दिया जैसे जब सर आप टेस्ट ऑफ़ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ़ डिटेल्स डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको अपना जो मींस ऑफ सेलेक्टिंग आइटम है वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना यानी कि आप कैसे सैम्पल्स जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे टेस्टिंग पेपर्स के लिए वो आपने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके डिसाइड करना है क्योंकि 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 उसी भी आपका कंक्लूजन डिपेंड करेगा और आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए दैट एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन आइए जी देन उसके बाद बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस लीजिए तो अगर ऐसा हुआ तो ऑडिटर क्या करेगा अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं ये सारा का सारा पोर्शन जो है नया ऐड हुआ है प्लीज को कवर कर लीजिएगा तो अगर इनकंसिस्टेंसी है या फिर डाउट है तो ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर देखेगा सर जी मुझे क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन करनी है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में ओके okay. और साथ साथ में देखेगा कि भाई इसका इस इस पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट जो है क्या आ रहा है मेरे दूसरे आस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पर यानी जो दूसरे एरियाज थे ऑडिट्स रिलेटेड उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है अब इस टॉपिक को देख के मुझे इतना दुख हो रहा है क्यों भाई मैं पहले पढ़ाया करता था फिर आई ने हटा दिया अपने स्टडी मैट्स से हमने भी हटा दिया अपने नोट्स में से अब आई ने फिर डाल दिया तो कोई बात नहीं भाई अब आधे लोगों को डाउट होगा सर आप कब पढ़ाया करते तो मैं कहते रहूँ भाई जब शुरुआत में मैंने ऑडिट के नोट्स बनाए अपने ऑडिट एविडेंस के तो मैंने टॉपिक डाला था कि अगर इनकन्सिस्टेंसी आया डाउट्स आया तो क्या करेंगे तो सर जी ऑडिटर को सिर्फ एक काम करना है ये देखना है कि भाई अपने ऑडिट प्रोसेस में क्या मॉडिफिकेशन करने वाला है और साथ साथ में इस मैटर का इफेक्ट जो है वो दूसरे एरियाज़ पर कैसे कंसिडर कर रहा है चाहे वो रिस्क ऑडिट रिस्क भी हो सकता है राइट ऑडिट प्लानिंग भी हो सकती है उस पर वो क्या क्या इफेक्ट जो है डाल रहे हैं लीजिए देन उसके बाद एक लाइन है सर ये सफिशियंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस को लेके आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने इस पैराग्राफ को जो है बुलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की है ओके okay? सो so, एक लाइन है द दर्टेशल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट आर ऑर्डिट्रेट इन सर्कमस्ट फॉर दर्स ऑफ ऑफिंग सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस हमने तीसरी बार पढ़ रहे हम इसी इसी वीडियो के अंदर आइए देन एक हमारे पास जो है इलस्ट्रेशन एक्स्ट्रा ऐड की गई है आइए जरा उस इलस्ट्रेशन को भी जल्दी से देख लेते हैं देर वॉज अ पार्टनरशिप फॉम ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स डब्लू टी एन एसोसिएट्स डब्ल्यू एक पार्टनर है वाइल एक्सप्लेनिंग टू इज ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इनफॉर्म देन अबाउट द सफिशेंसी एंड अप्रोप्रेटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मिस्टर एच वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम वॉज ऑफ द व्यू दैट सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस मीन सिंपलिसिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो एन अप्रोप्रिएटनेस मीन्स ईज ऑफ ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस क्या बात कर रहे हो पहली बात है ऑडिट टीम का मेंबर कैसे बनाएं ये ऑडिट टीम का मेंबर कैसे बनाए वही तो नहीं है जो चिल्लाता रहता है चलो छोड़ो हाँ जी एक्सप्लेन वेदर सफिशियंसी एंड अप्रोप्रेटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मींस सिंपलिसिटी नहीं यार अब बताओ ये अब आप इसको अमेंडमेंट बोलोगे मुझे बताओ सफिशियंसी क्या होता है आप बताओ अप्रोप्रियटनेस क्या होता है सफिशियंसी सर जी ये लिखा था ऊपर क्वांटिटी होती है और अप्रोप्रेटनेस ये देखो ये रहा अप्रोप्रेटनेस जो वो क्वालिटी होती है रेलेवेंस रिलायबिलिटी अब मुझे तो मज़ा तब आएगा जब आप बोलोगे कि रेलेवेंस का मतलब क्या होता है रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है तब मुझे थोड़ी शांति पड़ेगी अगर आप ये बता पाओगे तो एनी ये लीजिए ये इलस्ट्रेशन हमारी हो गई है ये टॉपिक में एक बार फिर बोल रहा हूँ आपने अगर मेरे साथ पढ़ा है तो प्लीज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशियंसी अप्रोप्रेटनेस वाला टॉपिक यहाँ से ज़रूर कवर कर लीजिएगा देन मूविंग फर्दर हमारे पास सर आ जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स का एक टॉपिक जरा देखते हैं कि आईसीए ने इसको कैसे डील किया था पुराने टाइम पे और नए टाइम पे जो है इसके लिए क्या चीज़ लिखी है ऑल दिस इसमें हमने हर चीज पढ़ रखी है ऐसे सच आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बट मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस कैसे किस तरीके से किए गए हैं सो ऑडिट प्रोसीजर टू अपटेन ऑडिट एविडेंस यहाँ पे 2.4 चल रहा है यहाँ पे 2.10 हो चुका है क्योंकि पीछे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे ऐड किए गए हैं नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके उन्हें पढ़ते हैं सो so बेसिकली कोई एज सच एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पहले से ही थे बस क्या कर दिया आगे आगे फॉर एग्जाम्पल लिख दिए बस ये ये फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो है वो आगे लिख दिया दैट्स इट और कुछ नहीं किया है जहाँ तक मुझे मैं देख पा रहा हूँ आप भी चेक कर सकते हैं जैसे कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बस फॉर एग्जाम्पल को इन्होंने हाईलाइट कर दिया है दैट सेट यह देखिए दैट सेट नथिंग एल्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी ये लीजिए एक और इलिस्ट्रेशन जो है आपके लिए यहां पे लेके आए हैं वाइल्ड ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी यूज्ड क्या यूज किया जी यूज्ड एंड ऑडिट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड दंपनी वॉर चेक इन डिटेल इन ऑर्डर टू अपटे ऑडिट एवडेंस एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसेसर यूज बाई दी ऑर्डर क्या बात कर रहे हो सर जी तो भैया जब भी डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रही है ना तो, तो सिर्फ एक ही ऑडिट प्रोसेस बनता है और वो कौन सा है इंस्पेक्शन राइट लीजिए सो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आ गए हिलोस्ट्रेशन आ गई एक्स्ट्रा देन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में जो है बात करी है अब जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि आप अपना बेसिक्स वाला चैप्टर देख लो आपको एक कॉन्टेंट वहीं मिल जाएगा बेसिक वाला चैप्टर में मिल जाएगा मैं देख रहा हूँ पुराना मामला कहाँ गया साथ साथ चलते हैं बिल्कुल मैच कराते हुए ये रहा फिर इंस्पेक्शन आया ऑब्जर्वेशन आया ऑब्ज़र्वेशन के बाद एक इलस्ट्रेशन आ गई है ठीक है ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया उसके एग्जांपल था हमारे पास री परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ सो री को इन्होंने थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया है आई डोंट नो वाई री परफॉर्मेंस को भी बोल्ड करके लिख दिया है मन कर रहा होगा चलो भाई बोल्ड कर दें देन एनालिटिकल प्रोसीजर शुरू हुए उस पर चैप्टर एट पढ़ने को कहा गया है इंक्वायरी ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी के बाद हम चलते गए चलते गए चलते गए हाँ तो ये इस वाली लाइन के बाद आपकी इस वाले लाइन के बाद जो है रिस्क इसमें प्रोसीजर के बारे में कुछ ऐड किया है और मैं आपको चाहूंगा कि आप अगर बेसिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे सो रैप रेफर टू द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू अपटेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एस द रिस्क रिस्केंट स्टेटमेंट वेदर यू डिफ्रॉड एर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेशन लेवल और फर्दर ऑर्डिट प्रोजर सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी ये सेकंड चैप्टर में आकर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा लेट है हमारा हो चुका है सर ये हाथ लाइव बॉय से धोते होंगे बट आजकल तो वही चल रहा है देन गाइज अब आप बताएं ये इन्होंने एक चार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया आप बताओ सच सच बताना क्या ये आपको मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है पहले से ही भाई हम लोग कवर कर चुके हैं ओ सी ए सी सी ई आर सी वी कमॉन चलिए हाँ <laughs> ये विजुअल डॉक्यूमेंट्री ओरल सर ये भी हमारी बुक में आपको पहले से ही चार्ट मिल जाएगा भाई डिपेंडिंग अपॉन नेचर विजुअल जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेट्रा ओरल डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट लोन एग्रीमेंट एक्ट्रा ये भी आपको हमारे नोट्स में पहले से ही जो है वो कवर्ड है आइए एक इलस्ट्रेशन पर चलते हैं इससे पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं आई को पुराने वाले स्टडी मटेरियल को मैच करते हुए चलते हैं कहीं रहना जाए ये सारी चीज़ें हो गई पॉजिटिव असेशन नेगेटिव असेशन हम लोग पहले से जो है सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ये एग्जाम्पल था इनका ये भी हो गया टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमारा हो चुका है इसमें विजुअल ओरल और डॉक्यूमेंट्री एक्स्ट्रा डाल दिया इन्होंने और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस के बाद डिपेंडिंग अपॉन सोर्स आजा भाई हाँ डिपेंडिंग अपॉन सोर्स तक हमारा काम हो चुका है फिर एक इलिस्ट्रेशन सेवन जो है वो एक्स्ट्रा ही है एलिस्ट्रेशन सेवन अभी हम लोग पढ़ेंगे डोंट वरी एट ऑल देन उसके बाद भी एक बार देख लेते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये देखिए तो यहाँ से मैच करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ से हम चल रहे हैं रिलेवेंस रिलायबिलिटी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है एक क्वेश्चन तैयार करा रखा है आप उसी से पढ़ेंगे आप प्लीज़ एक बार नोट्स देखिएगा ये रही इलस्ट्रेशन जो हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है यहाँ पर राइट तो हमारे पास इंटरनल एविडेंस एक्सटर्नल एविडेंस जो है आ गया यहाँ पे अगर आप देखें टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस जहाँ शुरू हुआ तो ये चार्ट आता है चार्ट के बाद डिपेंडिंग अपॉन नेचर जो है वो ऐड कर दिया इन्होंने और डिपेंडिंग अपॉन सोर्स जो है सर वो पहले से ही था उसकी जो है प्रेजेंटेशन थोड़ी सी यहाँ पे बदल दी है इंटरनल एक्सटर्नल हम लोग पहले से जो है वो पढ़ चुके हैं एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा देन रिलेवेंस रिलायबिलिटी टॉपिक शुरू होने से पहले आपके लिए एक सेवन जो है वो डाल दी गई है क्या है इस्टेशन आइए पढ़ते हैं एन ऑडिट टीम मेम्बर ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ एक्सट्रीमली जनरल लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन इंटरनली फ्रॉम विद इन द कंपनी अंडर ऑडिट आर मोर अप्रोप्रिएट फ्रॉम दाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू ऑडिट एविडेंस ऑप्टेंड एक्सटर्नली एज एविडेंस एज एविडेंस ऑप्टेंट इंटरनली आर ऑप्टेंड फ्रॉम दंपनी हूज ऑडिट इज बिंग कंडक्टेड क्या बात है भैया तो भैया एक्सटर्नल वाले ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं ये तो हमको बिल्कुल पता है है ना कम ऑन क्योंकि उसमें सर ऑल्ट्रेशन और चेंज के रिस्क जो है वो कम होते हैं सो so, इलिस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल्स जो इन्होंने डाली हैं वो अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसको बहुत अच्छी तरह से पहले से ही आता होगा देन चलते सर अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एस का रेफरेंस जो इन्होंने देना शुरू कर दिया मुझे ऐसा लगता है आई सी आई धीरे धीरे बोलेगा भी प्रनाउंसमेंट वाली बुक पढ़ना छोड़ दो क्योंकि अब सारा ऐसे का कंटेंट जब आप यहाँ पे कवर कर दोगे तो फिर आगे क्या पढ़ोगे ओल्ड ईयर ये लीजिए तो इसमें एस से पाँच सौ का रेफरेंस डाल दिया कि भाई एस से पाँच सौ का स्कोप क्या है ऑडिटर की रिस्पॉसिबिलिटी क्या होती है टू तो अपटेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेर अप्रोप्रिएट फॉम चार्ज विद गवर्नेंस और यहाँ पर जो है Uh, एक चेंज है टॉपिक नंबर थ्री पॉइंट फाइव में आइए जरा देख लेते हैं उसको थ्री पॉइंट ट्रू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो फोर टॉपिक शुरू हो जाता है लेकिन यहाँ पे आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से कुछ चीज़ जो है वो एडिट कर दी गई अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तक तो ठीक है उसका टॉपिक नंबर थ्री पॉइंट फाइव जो है वो बना दिया है ये चीज़ अभी मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर डाली है या नहीं डाली है सो एज सच यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला पार्ट जो है मुझे लग रहा है चेंज है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमने पहले ही कवर कर लिया कि भाई ऑर्डर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेगा कि मैनेजमेंट ने ऑर्डर को सारी रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सेस एज एग्रीड इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दे दिया है और जितनी भी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्डेड है और रिफ्लेक्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राइट फिर एक छोटा सा सब टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की जो रिस्पांसिबिलिटीज़ है वही ऑल इनफो एडिशनल इनफोन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पी पी एफ डी आई एम आई सी आई होप आपको समझ आ रहा होगा सो पी पी एफ एस क्या होता है यार मैं कोई बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि कहीं बच्चे जो है वो नहीं पढ़े तो उनको लगता है शॉर्टकट की बोल दे सर ने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डी आई एम आई सी क्या है डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए राइट जमेंट बी शल इन रिटन द मैनर इन विच दिज आर डिस्कइड इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड देन अदर ऑडिट अदर रिटन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल है सर जी इस एस में तो कुछ पर्टिकुलर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए कहा गया है और बहुत सारे एस एज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा गया है ऑडिटर उनसे हट के भी और कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहता है तो ले सकता है राइट right. इसमें कोई नई बात मुझे नहीं दिखती है सो अदर एस रिक्वायर ऑडिटर

आपके एग्जाम के लिए इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाना भी चाहूँगा देखिए जब हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट से इस ऐसे में तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट जानती है और मानती है क्या जानती है और मानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट right? uh, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब हम लेते हैं तो मैनेजमेंट से पूछते हैं भाई वो जानती है और मानती है मैनेजमेंट कहती है हाँ जी हम जानते हैं और मानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऑडिटर रिकन्फर्म करने के लिए भी बोल सकता है ऑडिटर ये बात रिकन्फर्म करने के लिए बोल सकता है मैनेजमेंट को राइट right. और वो कब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रिकन्फर्मेशन कब लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से कि वो जानती है और मानती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पर्टिकुलरली इन दीज फोर केसेज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन जब सर जी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट किसी और ने साइन किए थे ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी और अब कोई और है राइट right? सो so, जब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट साइन करने वाले व्यक्ति बदल जाए जब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और एपेड इन दी प्रीवियस ईयर जब आपके पुराने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चल रहे हैं उसमें बदलाव आ चुका है तो भाई आपको रिकन्फर्म भी कर लेना चाहिए राइट और जब आपको लगे कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग करती है अपनी रिस्पॉसिबिलिटीज को मैनेजमेंट को लग रहा है आई सी बनाना तो ऑडिटर का काम है मैनेजमेंट को लग रहा है भैया अकाउंटिंग करना तो ऑडिटर का काम है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकनफर्म करना एंड वन देज अ चेंज इन सर्कमस्टेंस मेक इट एप्रोप्रिएट टू डू सो यानी कुछ आपके ऊपर मान लीजिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गई जो पहले नहीं थी मैनेजमेंट को अब जो है लग रहा है कि भाई ये तो ऑर्डर का काम है तो भाई उस केस में भी जो है ऑर्डर को रिकन्फर्म कर लेना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्राम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इसको कैसे पढ़ना है हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके ये कंफर्म करवाते हैं कि भाई वो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, को जानती है और मानती है और फुलफिल भी किया है ओके ऑडिटर उनसे रिकन्फर्म भी करा सकता है कि भाई वो जानती है मानती है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल भी किया है और वो रिकन्फर्मेशन इन पर्टिकुलर केसेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कौन से वो इन पर्टिकुलर केसेस नंबर वन जब जिसने साइन किया था ऑडिट एंगेजमेंट टर्म और जो अब हैं वो अलग अलग, अलग लोग हैं नंबर टू जब ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स आपके पुराने हो चुके हैं नंबर थ्री जब मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करती है नंबर फोर जब सिचुएशन सर्कमस्टांस बदल गए हैं वो भी तो आपको इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि सर्कमस्टांस बदल गए हैं आइए, देन डेट एंड पीरियड कवर बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन आई एम श्योर कि हम लोग अपनी बुक में इसको कवर करते हैं बाई चांस अगर नहीं भी करते हैं तो सर आप लोग मेरे साथ बैठ के जो है इसको कवर कर सकते हैं याद रखिएगा ये सब चीज़ें मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ाता था बट आई सी ने सर अपने बुक से हटाए तो हमने भी हटा दिए अब सर आई सी वापस ला रहा है तो सर हम बिल्कुल लेके आएंगे कि भाई डेट और पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए आइए जरा देख लेते हैं इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ओके सो एज नियर एज पॉसिबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तो ओके जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट एज नियर एज पॉसिबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ओके फिर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए होनी चाहिए जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं जो भी आप ऑडिट में रेफर करेंगे ऑडिट रिपोर्ट याद है ऐसे सात सुबह पे, पे पीरियड रेफर करते हैं तो उस पूरे पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए और सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ओके okay. कम ऑन जल्दी बताइए एंड फिर ऊपर वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट स्किप इट ओके कमॉन देन उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स का हल्का सा रेफरेंस मिलना चाहिए कि भाई ऑर्डर इज कंसर्न विद इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट टू और डिस्क्लोज इन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द रिटन रिप्रेजेंटेशन आर डेटेड एज नियर एज पॉसिबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो सबसिक्वेंट इवेंट्स को भी कवर कर ले रिटन रिप्रेजेंटेशन एस सी हमारी कोशिश होनी चाहिए तभी हम बोलते हैं एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट देन फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जरा फॉर्म

कि भाई वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को लेकर रिटर्न पब्लिक स्टेटमेंट्स दें और ऑडिटर को लगता है कि भाई वो वो स्टेटमेंट जो है सारी ऑडिटर डिटर्माइज दैट सच स्टेटमेंट प्रोवाइड सम और ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड तो रेलिवेंट मैटर जो भी वहाँ पे कवर हो गया वो दोबारा से हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से नहीं लेना चाहिए ओके okay? ये बात भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई अगर पहले से ही कोई लॉ एप्लीकेबल है और वो ऑडिटर को बोलता है वो मैनेजमेंट को बोलता है कि अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पब्लिकली बताओ और मैनेजमेंट अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज पब्लिकली बताओ और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिकली बता रही है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं सर बता रही है तो बहुत अच्छी बात है सर बहुत ही बढ़िया बात है आइए जी देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेकर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आइए उनको भी कवर करते हैं ये जो अगला टॉपिक है सर इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम में आपसे एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेंगे टॉपिक नंबर 3.8 पॉइंट एट ऑफ द लेटेस्ट स्टडी मटीरियल इशूड बाय आई सी आई डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप पुराने टाइम में पढ़े होते तो सर ये टॉपिक्स आपके ज़रूर कवर हुए होते इससे रिलेटेड आपका जो है एक क्वेश्चन भी कवर हुआ होता बट कोई बात नहीं अब सर हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे गाइज मार्क इट एज सुपर डूपर इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए सो तो सबसे पहले डाउट हो गया डाउट किस पे हो गया रिलायबिलिटी पे किसकी रिलायबिलिटी पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे तो ऑडिटर क्या करेगा सो so, अगर ऑडिटर को uh, डाउट हो रहा है कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू और डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर और उसकी कमिटमेंट उसकी कमिटमेंट या फिर इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उनकी एनफोर्समेंट को लेके जो उसकी कमिटमेंट है मैनेजमेंट की उसको लेके डाउट हो रहा है तो ऑडिटर को सर सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाई ये देखना चाहिए इन सबका इफेक्ट जो है ना इन सबका इफेक्ट रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रजेंटेशन गिवन बाय मैनेजमेंट और ऑडिट एविडेंस इन जनरल पर क्या आएगा देखिए रक्षक की भक्षक बन रहा है यानी कि भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट की ही इंटीग्रिटी खराब है मैनेजमेंट की एथिक्स सही नहीं है तो ऑडिटर को तो सबसे पहले सोचना चाहिए मैंने जो इनसे चीजें लिखवा के लिए हैं उन उनको क्या इंपैक्ट आ रहा है और जो चीजें मैं ऑप्टेन कर रहा हूँ ऑडिट एविडेंस में ऑप्टेन कर रहा हूँ उस पर जो है वो क्या इंपैक्ट आ रहा है तो पहला इंप्लीकेशन याद रखिएगा अगर ऑडिटर तो को डाउट होता है कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज और टेलिजेंस ऑफ मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट की कमिटमेंट को लेकर मैनेजमेंट की कमिटमेंट टू एनफोर्स दी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को लेकर कोई डाउट आ रहा है तो ऑडिटर को देखना है कि सर इसका इंपैक्ट रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस पे क्या आ रहा है और अगर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने आपको बोला नहीं जी हमने कोई पैसे नहीं देने लेकिन आपके पास एक, एक इंसान है एक व्यक्ति है हमने उसको कोई पैसे नहीं देने लेकिन आपके पास सबूत है कि भाई पैसे देने इनकंसिस्टेंट है मामला सो so, याद रखिएगा ऑडिटर से वॉच डॉट नॉट अ ब्लड हाउंड वी विल एक्सटेंड अवर प्रोसीजर प्रोफेशनल स्कैप्टिजम एक्सरसाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे हम लोग सर जी चेक करेंगे भाई क्या इन दोनों को मैं रिकनसाइल कर पा रहा हूँ कि मैनेजमेंट बोल रही है पैसे नहीं देने हैं और यहाँ पे तो सब मेरे हिसाब से पैसे देने हैं यानी कि आपके पास जो ऑडिट एविडेंस है और मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट है तो ऑडिटर सर जी इसको एडिशनल प्रोसीजर से कंफर्म या फिर डिस्पेल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा ओके okay. लेकिन अगर मैटर अनरिजॉल्व रहता है ऑडिटर को देखना चाहिए कि भाई अब मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट और ऑफ इट्स कमिटमेंट टू और एनफोर्समेंट ऑफ दीज इसको रिकंसिडर करना चाहिए कि भैया ये मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं अगर सर ये अनरिजॉल्व है तो मैनेजमेंट पे मुझे डाउट हो रहा है कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज़ पे और साथ साथ फिर देखना चाहिए सर जी इफेक्ट क्या है सेम uh, बात आ गई द इफेक्ट में हैव ऑन द लाइबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल और अगर ऑडिटर कंक्लूड ही कर देता है कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है तो ऑडिटर को अप्रोप्रेट एक्शन लेने हैं एक अप्रोप्रेट एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको लिख के आनी है वो ये द पॉसिबिलिटी द पॉसिबिलिटी टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एस एस सेवन जीरो फाइव बेसिकली किस हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन होगा किस तरह का सर हमें जो डाउट हो रहा है तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर अब अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो क्या करेंगे मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे फिर से उनकी इंटीग्रिटी वगैरह को सर जी रीअसेस करेंगे राइट right. और उसका इफेक्ट ऑन द लैबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एविडेंस जनरल एंड फाइनली टेक अप्रोप्रेट एक्शन विल टेक अप्रोप्रेट एक्शन डिटरमाइन द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द दर्डर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डंगस विद 705 क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर क्या जाने वाला है राइट right. एक बात ध्यान रखिएगा इस पर भी आपको केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं ऑर्डर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी आपको सर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपका केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है राइट right. चलिए जी ये तो हो गई सर ऐस से पाँच सौ अस्सी की बातें अब चलते हैं सर हम लोग और ऐसे जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं उसके ऊपर जल्दी से देखते हैं कि और क्या क्या जो है वो चेंजेस आए हैं ऐसे पाँच सौ एक जो हम लोग पढ़ते हैं और ऐसे पाँच सौ एक से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो उस पर हम लोग कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे मैं पहले इन ट्यून आ जाऊँ कि हम जो ओल्ड में देख रहे हैं और न्यू में देख रहे हैं वो मैच करना चाहिए ये लीजिए सर ये हमारे हो गए फोर्थ फोर्थ टॉपिक जो हमने देखने हैं ऐसे 501 में सबसे पहला चेंज आता है सर जी लिटिगेशन एंड क्लेम में चेंज नहीं अपडेशन है एंड आई होप हमने इसको क्लास में कवर किया हो ना कवर किया हो तो आप अभी सुन लीजिए तो बात ऐसी है सर जी आपको एक्सटर्नल काउंसिल से बात करनी है लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिलेटेड आप लोग एक्सटर्नल काउंसिल से यानी कि आप कंपनी के लॉयर से जो है बात करना चाहते हो मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रही है मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रही है या फिर एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है राइट सो चलिए तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड रिफ्यूज कर रही है या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल यानी लॉयर खुद से जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और मतलब और हिंदी वाला इंग्लिश वाला एंड ऑडिटर को सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से तो भाई ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या कर देना चाहिए मॉडिफाई याद रखिए आप आप चाहते हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करना मैनेजमेंट बात नहीं करने जा रही क्योंकि मैनेजमेंट बात नहीं करने दे रही है या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है नहीं कर रहा है तो उसके में ऑर्डर कोशिश करेगा पुसे लगा के सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑर्डेंस करने के लिए और अगर सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस उसे ऑप्टे नहीं कर पा रहा है तो सर जी वो अपना ओपिनियन क्या कर देगा मॉडिफाई कर देगा राइट right? बोलिए जल्दी से दूसरा अपडेट सेम लिटिगेशन और क्लेम्स रिलेटेड जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा ऑर्डर जो है मैनेजमेंट से टीसीड्लू से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा किस बात के लिए कि जितने भी नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन क्लेम्स जितने भी नॉन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन इन क्लेम है जिसका इफेक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोज कर दिए गए हैं और प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज है इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो जो भी नॉन एक्चुअल या फिर पोटेंशियल लिटिगेशन है जिसका इफेक्ट कंसिडर किया जाना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ऑर्डर को डिसक्लोज कर दिए हैं और साथ साथ में उनको अकाउंटेड फॉर एंड डिस्कलोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगला अपडेट जो है ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं बात करते हैं सर हम लोग अपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की एस 501 से रिलेटेड और लिटिगेशन क्लेम यहाँ पर आ गया है ये लीजिए लिटिगेशन लीजिए सो लिटिगेशन एंड क्लेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे पिछली बार कुछ दे ही नहीं रखा था लिटिगेशन एंड क्लेम के बाद सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ दे ही नहीं रखा था ऑल हम जब आपको एस ए फाइव हंड्रेड एंड पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डोंट वरी एट ऑल सो लिटिगेशन एंड क्लेम में पहले यहीं पर इनको ख़त्म कर देते दे थे अब सर लिटिगेशन एंड क्लेम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा जो है प्राइड इंडिया के बाद जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ कवर करी वो हमने कवर कर लिए रिटर्न रिप्रजेंटेशन से रिलेटेड और आपका अगर काउंसिल से बात करने नहीं दे रहे उस रिलेटेड देन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है आइए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको बताता हूँ तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ पर्टिकुलर कंपनीज पे जिस पे भी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है उनको बोला जाता है कि भाई आपने जो है अपनी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है सेगमेंट वाइज करनी है राइट तो ऑडिटर को क्या करना है सबसे पहले ऑडिटर का मेन काम क्या है ऑप्टेंस सफिशियंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस कि भाई जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुई है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की वो एज पर एफ हुई है मेन काम तो ऑडिटर का यही है कि जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुई है वो एज पर एफ हुई है यानी जो भी आप, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रेलिवेंट इंडियाज ने बोला है आपने उसी हिसाब से जो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करी है ओके okay? अच्छा अब वो कैसे करेगा काम सबसे पहले वो सर जी मैथड्स यूज बाय मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करेगा कि मैनेजमेंट ने जो है कौन से मैथड्स यूज करे हैं इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद एनालिटिकल प्रोसेस लगाएगा और अदर वाइड प्रोसर एरोट इन द सर्मस्टांस कि भाई ये जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है ये सही भी है या नहीं है और मैथड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई उन मैथड्स से क्या एफ के हिसाब से डिस्क्लोजर हो रहा है और साथ साथ में उन मेथड्स को हम लोग टेस्ट भी करके देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट ने अगर एक सेगमेंट का जो रेवेन्यू बताया है और उसके लिए कोई मेथड यूज किया है तो भाई वो मेथड सही है या नहीं टेस्ट चेकिंग करेंगे हम उस मेथड की ओके okay. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट जो काम कर रही है मैनेजमेंट जो भी मेथड यूज, यूज कर रही है हम उनको इवेलुएट करना चाहते हैं जो मेथड यूज़ करिए किस लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए उसको इवेलुएट करते समय हम एक बात ध्यान रखेंगे भाई इस इस मैथड uh, से जो डिस्क्लोजर्स होंगे वो एज पर एफ होंगे और साथ साथ में हम उस मेथड को एक बार टेस्ट चेक भी कर लेंगे कि भाई इस मेथड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो सही भी है या नहीं राइट right. और एनालिटिकल प्रोसेस लगा के देखेंगे हम लोग सर कि भाई एनालिटिकल प्रोसेस लगा के देखेंगे कि पिछली बार जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में जिस सेगमेंट की अलग से रिपोर्टिंग हुई थी इस बार उसका रेवेन्यू बड़ा है कम हुआ है तो उसके सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली उसी हिसाब से डिस्क्लोज है या नहीं है आइए देन अब सर ये मैं क्या बताऊँ भाई ये वाला जो पॉइंट इन्होंने ऐड किया है ना दिल से तोड़ दिया यार ऐसे में से उनके एन में से उठा उठा के, उठा उठा के उठा उठा के उठा उठा के सर जी आप लोगों ने टॉपिक डाल दी कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा आइए सो अंडरस्टैंडिंग दी मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने कौन से मैथड यूज़ किया है उसको अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऑप्टेन कैसे करेंगे ये आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन का इन्विटेशन है आई की तरफ से कि हम पूछेंगे और आप बता सकते हैं तो बता देना नहीं तो रहने देना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे बोल रहे हैं सर आप में दम है तो भाई याद करके आओ इसको राइट right? नई चीज़ ऐड करी है लेकिन हम सर याद करके जाएंगे सो so, सबसे पहले हम एक बार और इसका ओवरव्यू लेते हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में ऑर्डर को करना क्या होता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में ऑर्डर को ये दो मेजर काम बताए गए हैं सबसे पहले काम बताया गया कि भाई मैनेजमेंट जो मेथड यूज़ करती है उसका अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करना है राइट right? और उसका अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करने के लिए आपको चीज़ ध्यान रखनी है मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते समय आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको इवेलुएट करना है कि उन मेथड से जो डिस्क्लोजर हो रहा है वो एज पर एफ हो रहा है या नहीं और साथ साथ में उनकी टेस्ट चेकिंग कर लेनी है अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हम लोग मैथड यूज बाय जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग इवेलुएट कैसे करने वाले हैं हां जी मैथड यूज बाय जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करने वाले हैं और कैसे ये चेक करने वाले हैं कि भाई इस मैथड को यूज करके जो डिस्कलोजर हो रहा है वो इन इकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहा है ये क्वेश्चन है हाउ ऑडिटर विल अंडरस्टैंड दी मैथड यूज बाय मैनेजमेंट और हाउ ऑडिटर विल इवेलुएट वेदर सच मैथड्स Are to in which are in with the तो चार बातें जो है आपने इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है नंबर वन सबसे पहले शुरुआत करता हूं यहां से कंसिस्टेंसी विद प्रायरियड एंड एडुकेसी ऑफिसक्र विद रिस्पेक्ट टू दी इनकसिस्टेंसी तो सबसे पहले भाई प्रायर पीरियड में कैसे सेगमेंट इंफॉर्मेशन थी क्या आज भी प्रायर पीरियड के हिसाब से मतलब सब कुछ अगर सेम है तो आपके सेगमेंट इफॉर्मेशन प्रायर पीरियड के हिसाब से चलनी चाहिए राइट और साथ साथ में एडिक्यूसी ऑफ डिस्क्लोजर अगर प्रायर पीरियड के हिसाब से नहीं चल रही है तो उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं एसेट एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स इससे भी आपको काफ़ी जो है हेल्प मिल जाएगी भाई देखो सेगमेंट इंफॉर्मेशन ना ए सत्रह में डील किया जाता है मुझे नहीं पता आपके कोर्स में है या नहीं अगर है तो सर आपके अकाउंट्स वाले सर ने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा पूरी उम्मीद है मुझे नहीं समझाया तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग चाहते हैं अका अकाउंट्स चाहता है कि अकाउंट्स चाहता हैं कि भाई जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बड़े बड़े जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं सेल्स के बेसिस पे कॉस्ट एलोकेशन के बेसिस पे एसेट्स के बेसिस पे आपने उनके अलग से रिपोर्टिंग करनी हम जानना चाहते हैं उन, उनसे आपने कितना कमाया राइट right? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया सबसे तो प्रायर पीरियड के साथ कंसिस्टेंसी मैं साथ साथ बोलते चलो प्रायर पीरियड के साथ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड मैं मार्क भी कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड देन उसके बाद एलोकेशन ऑफ एसेट्स इन कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स अब देखो कि भाई हम मेथड को सही मान लेंगे हम मेथड को मान लेंगे एज पर एफ एर एफ जा रहा है लेकिन उसके लिए हमें यह स्टडी करना पड़ेगा कि एक सेगमेंट को अपने कितने एसेट्स जो है वो एलोकेट किए हैं कितनी कॉस्ट जो है वो एलोकेट किए हैं और क्या ये मैथड उसको कंसिडर करता है या नहीं ओके देन वेरी इंपॉर्टेंट बजट्स कंपेरिजन विद बजट्स आप लोग अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ जो है वो आ, देखेंगे कंपेयर करके कि भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजट के कंपैरिजन में कहाँ जा रही है हाँ जी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजट के कंपैरिजन में कहाँ जा रही है ये भी चीज़ जो है हम लोग चेक करेंगे और साथ साथ कुछ रेशियोज़ जैसे कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ये सारे रेशियोज़ भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगे ये जानने में कि सर जी प्रायर पीरियड से इस इस पीरियड में जो है क्या चेंजेस आए हैं और क्या उसका इंपैक्ट सेगमेंट रिपोर्टिंग पे क्या आ रहा है और उसके बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है वो एज पर एफ आर एफ हो रही है या नहीं देन जो भी सेल ट्रांसफर या चार्जेस लिए गए हैं बिटवीन सेगमेंट्स आपका सर एक uh, मान लेते हैं आपका एक सेगमेंट है मान लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस का एक सेगमेंट है आपका मॉक टेस्ट का ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ले लिया राइट तो इनके बीच में आपस में क्या जो है सेल ट्रांसफर या चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं और अगर कुछ और जो एलिमेंट इंटर सेगमेंट अमाउंट्स थे उनको प्रॉपरली एलिमिनेट किया गया है या नहीं किया गया है ये सब चीज़ें मैं सच बताऊँ तो आपको ऑनेस्टली तब बहुत से समझ आएंगी जब आप ए सेवेंटीन पढ़ लेंगे या किसी को ए सेवेंटीन का ज्ञान आपको कोई दे दे तो अगर आपके पास वो है ठीक है नहीं है तो सर भे चार बातें जो है एटलीस्ट याद करके अपने एग्जाम के लिए जा सकते हैं कि भाई देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है 501 में जो हमारा सेगमेंट इफॉर्मेशन है उसके बारे में ऑडिटर को करना क्या है ऑडिटर को सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एज़ पर एफआरएफ एफ है या नहीं अब इसके लिए ऑडिटर को दो काम करने हैं एक तो मैनेजमेंट द्वारा यूज़ किए गए मेथड्स को अंडरस्टैंड करना है दूसरा एनालिटिकल प्रोसेस लगाना है अब मैनेजमेंट द्वारा यूज किए गए जो मेथड्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको जो है ये दो पार्ट जो है एक्स्ट्रा बताए गए हैं कि भाई हमने देखना है क्या वो जो मैथड्स यूज कर रहे हैं उससे डिस्क्लोजर एज पर एफ आर होगा या नहीं होगा और साथ साथ में उन मैथड्स की हम लोग टेस्ट चेकिंग भी कर सकते हैं फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दिया जो मुझे लगता है इंटरमीडिएट लेवल के थोड़ा सा हाई लेवल हो गया बट कोई बात नहीं हम कर लेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दिया कि भाई ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कैसे करेगा मेथड की तो हमने बोला सर बिल्कुल ऑप्टेन कर सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं और ऑप्टेन करेगा किस आस्पेक्ट से इस आस्पेक्ट से कि भाई जो डिस्कलोजर्स हो रहे हैं वो एज पर एफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और उसके लिए चार बातें जो आपको है आपको बताई गई हैं नंबर वन मैंने लास्ट से शुरू किया था कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड चेक करेंगे एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट चेक करेंगे बजट के साथ कंपैरिजन करेंगे और अदर रेशियोज़ को स्टडी करेंगे और साथ साथ में जो सेगमेंट्स के बीच में एक्सचेंज uh, हुआ है सेल हुआ है ट्रांसफर हुआ है चार्जेस लगाए गए हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे और साथ साथ एलिमिनेट करेंगे इंटर सेगमेंट अमाउंट्स को अगर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम फॉलो करेंगे और देखेंगे सर जी दैट्स एट लीजिए ये हमारे ऐसे पाँच के जो चेंजेस थे यानी कि हमारा जो स्पेसिफिक कंसिड्रेशन थे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके वो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं अब अब हमारे पास क्या क्या बचा है आइए मैं आपको दोबारा से एक बार ले चलता हूँ चेंजेस की दुनिया में सो so, जो ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिड्रेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है नाउ लेट्स मूव फर्दर और हमारे पास एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाले टॉपिक में क्या चेंजेस हैं एक इलिस्ट्रेशन ऐड हुई है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में और आपका एक कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं वो भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे डोंट वरी एट ऑल और ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट अपने क्लास में कवर करते हैं डोंट वरी फिर उसके बाद इनिशियल ऑडिट में चलेंगे सबसे पहले अब एक्सटर्नल कन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हैं हम लोग उनको कवर करने की कोशिश करते हैं जल्दी से आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ जल्दी से ये लीजिए पहली एलिस्ट्रेशन आइए

सो कंप उन्होंने कन्फर्म तो कर दिया ट्रेड रिसीव ने कन्फर्म कर दिया किसको टू ऑडिटर कि भैया हमने जो है पे करने हैं अब आपको बताना है टाइप ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो कौन सी थी टाइप ऑफ द अबव मैंशन सिचुएशन इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्योंकि हमें कन्फर्मेशन चाहिए ही चाहिए थी राइट बिकॉज इन पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट द पार्टी टू कन्फर्म द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वेदर सच पार्टी अग्री और वेदर सच पार्टी डिसअग्री हाँ और ना दोनों बतानी थी विद द इन्फॉर्मेशन फॉर विच द कन्फर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाई द ऑर्डर ऑफ दैट कंपनी आइए अगला चेंज है कि भाई आपने जो है अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी जो है वो कैसे सिलेक्ट करनी है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बस सर ऑडिटर को अप्रोप्रिएट पार्टी कैसे सिलेक्ट करनी है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सर जो पार्टी है वो नॉलेजिबल हो राइट right? अब एग्जाम्पल दे रखा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल हु इज नॉलेजिबल अबाउट द ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट फॉर विच कन्फर्मेशन रिक्वेस्टेड मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन एट द फाइनेंशियल फाइनेंसिट्यूशन फ्राम होम फ्रॉम होम टू रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन लीजिए फॉलो अप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट अगर सर जी आपने कुछ एक्सटर्नल uh, कन्फर्मेशन uh, लिए भेजा था और वहां से जो है वो जवाब नहीं आ रहा है रीजनेबल टाइम में तो क्या करेंगे देखिए द ऑडिटर में सेंड एन एडिशनल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट वेन अ रिप्लाई टू अ प्रीवियस रिक्वेस्ट हैज नॉट बिन रिसीव इन अ रीजनेबल टाइम फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर में हैविंग मे हैविंग रीवेरीफाइड द एक्यूरेसी ऑफ ओरिजिनल एड्रेस सेंड एन एडिशनल फॉलो अप रिक्वेस्ट तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी देन रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर इफ द ऑर्डर आइडेंटीफाई फैक्टर दट गिवि राइज टू डाउट अउट द लाइबिलिटी ऑफ रिस्पॉस टू कन्फर्फन रिक्वेस्ट ऑर्डर शेल ऑप्टेन फर्दर ऑर्डर एवेंडेंस टू रिजोल्ल दी डाउट्स ये बातें हमने क्लास में करी हुई हैं आएम श्योर अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल uh, कन्फर्मेशन वाला ऐसे एक बार प्लीज़ ध्यान से देखिए वहाँ पर आपको कोई चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई आपने जो है एक्सटर्नल कन्फर्मेश मंगाई लेकिन सर अभी जो है वो आपको जो है डाउट हो रहा है उनकी लाइबिलिटी पर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की लाइबिलिटी जो है आपको उस पर डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे सर जी ऑर्डर के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सो so, अगर ऑडिटर को ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं जिससे उसे डाउट हो रहा है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना चाहिए और अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है दैट रिस्पांस इज़ नॉट रिलायबल अगर ऑडिटर डिटरमाइन कर लेता है कि ये रिस्पांस रिस्पॉन्स जो है वो रिलायबल नहीं है तो ऑर्डर क्या करेगा ऑडिटर को सर इसके इंप्लीकेशन देखने चाहिए ऑन द असेसमेंट ऑफ रिलेवेंट रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट रोमम पेस का क्या इंपैक्ट आ रहा है इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है और साथ साथ में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर प्रोसेसर पर क्या इंपैक्ट आ रहा है दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मार्क कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट कि भाई रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अगर ऑडिटर को डाउट हो गया कम ऑन अगर ऑडिटर को क्या हो गया जल्दी बताइए डाउट हो गया ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू दी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तो ऑडिटर को फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना चाहिए उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई ये रिलायबल है ही नहीं तो उसे रोमम पे इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड पे और एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसिसर पर जो है जरूर जरूर जरूर, जरूर एक बार इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है देन नेगेटिव कन्फर्मेशन की बात करते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन हम सबको पता है हम सबको पता है दे आर लेस पर्जुएसिव देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन और ऑडिटर को नेगेटिव कन्फर्मेशन तभी यूज़ करनी चाहिए uh, शेल नॉट यूज अच्छा एक यहाँ पे इन्होंने नेगेटिवली लिखा है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन शुड नॉट बी यूज एज सोल सब्सटैटिव ऑडिट प्रोसेस टू एड्रेस दी एस एज रिस्क ऑफ मटिमिस्ट्रेंट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एट दिसल अनलेस द फॉइंग आर प्रेजेंट सो सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन को आप सब्सटैंटिव प्रोसेस की तरह यूज नहीं कर सकते अनलेस द फॉलोइंग आर प्रेज यानी इफ दीज कंडीशन आर प्रेजेंट यूज द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड

कैन नेगेटिव कंफर्मेशन बी यूज एज दोल सबस्टांडिव प्रोसेसर आंसर इज येस बट ओनली वेन ऑल दी फोर थिंग्स आर प्रेजेंट नंबर वन रोमम कम है आईसी स्ट्रॉन्ग है हां जी रोमम कम है और आईसी क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग है पॉपुलेशन जिसकी आप चेकिंग कर रहे हैं वहां पर स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन और कंडीशन है यानी yani कि छोटे छोटे अमाउंट है होमोजीनियस मतलब एक जैसे है छोटे छोटे अमाउंट और एक जैसे अमाउंट है नंबर थ्री एक्सेप्शन रेट जो है वो बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है हाँ जी एक्सेप्शन रेट जो है बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है ना वॉट इज एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब अ रिस्पांस दैट इंडिकेट डिफरेंस अ रिस्पांस दैट इंडिकेट वॉट डिफरेंस कमॉन जहां पे डिफरेंस यानी कि डिफरेंस आने का जो है वो चांसेस बहुत ही कम है एंड नंबर फोर इट इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांस और कंडीशन दैट वुड कॉज रिसिपियट ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसगार्ड सच रिक्वेस्ट तो ऑर्डर के पास कोई भी ऐसा पॉइंटर नहीं है जिसे देख के ऑर्डर को लगता हो कि भैया जो रिसिपियंट है वो डिसरिगार्ड करेगा मेरी रिक्वेस्ट को फिर से सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि भाई क्या नेगेटिव कन्फर्मेशन को एज अ सोल नेगेटिव कन्फर्मेशन को एज अ सोल नेगेटिव कन्फर्मेशन को एज अ कमान 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 एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसेसर यूज कर सकते हैं कि आंसर इज एज अगर चारों चीज़ें प्रेजेंट हो नंबर वन रोमम जो है लो होना चाहिए नंबर वन के साथ में जो सेकंड पार्ट है वो बोलता है कि सर आईसी जो है आपका स्ट्रॉग होना चाहिए नंबर टू डील करता है पॉपुलेशन से पॉपुलेशन स्मॉल है होमोजीनियस है स्मॉल है और होमोजीनियस है एंड नंबर थ्री जो है सर एक्सेप्शन रेट जो है बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है यानी yani ऑडिटर को लगता है कि भैया हम तो पूछेंगे और जवाब आएगा ही आएगा यानी डिफरेंस जो है वो आने के चांसेस बहुत कम है एंड नंबर फोर सर ऑडर हैज नो रीजन टू बिलीव दैट दी पर्सन विल जो वॉट हुएर द पर्सन इज वज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर को लगता है कि सर मेरे पास कोई ऐसा सोचने के लिए थॉट प्रोसेस नहीं है कि मुझे लगे कि भाई वो जो पर्सन है वो मेरी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगा दैट रिसिपियट ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन विल डिसगार्ड सच रिक्वेस्ट आइए देन इवेल्युएशन की बात चलती है सर दटर शेल एवल्यूएट वेदर द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसेजर प्रोवाइड रिलेवेंट reliable ऑडिट evidence और वेदर performing फर्दर ऑडिट procedure आर necessary. लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से रिलेटेड से भी जो अपडेशंस हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं ऑल दी बेस्ट अभी और भी जितने भी एसेज हैं सर इसके अंदर चैप्टर नंबर थ्री के अंदर वो हम कवर करते चलेंगे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए चैप्टर थ्री पूरा कवर कर देंगे सर जी हम इसी वीडियो के अंदर हैं दो चार चेंजेज और हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एसेज इन्वॉल्व हैं बट हम लोगों ने भी कसम खा रखी है कि आन दो ये एक, आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे और करेक्ट इन करेक्ट कुछ ऐड हुए क्या हाँ ये आपके कुछ करेक्ट इन करेक्ट ऐड हुए हैं ये आपके कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं बस दैट्स और फिर हमारा कार्यक्रम जो है वो हो जाएगा मित्रों कंप्लीट, लेट्स गेट बैक टू दी एस ए फाइव जीरो फाइव फाइव ये लीजिए सर अब शुरू करेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आइए अब बात करते हैं ऐस ए पाँच के अंदर क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं मतलब चैप्टर थ्री में चेंजेस चल रहे हैं चेंजेस ये कुछ नहीं है ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी बस भाई आप लोगों को जो है वो हम एस में पढ़ाते थे या कहीं और पढ़ाते थे और अब आई से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पढ़ानी शुरू कर दी हैं बट कोई बात नहीं बहुत बढ़िया है अब बात करते हैं सर हम एस ए जो कि डील करता है किससे डील करता है आपके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से और यहीं पे बताया गया है कि भाई इस एस में क्या बताया गया है इस में बताया गया है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ओपनिंग बैलेंस को लेकर जब आप लोग क्या कर रहे होते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है ये आपको पहले से पता है प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अ प्रोड्यूसेसर ऑडिटर राइट

मैटर रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर दैट एक्जिस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड सच सचेज कॉन्टिजेंसी एंड कमिटमेंट सो कुछ बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं आई देन बात करते हैं हम लोग आपके टॉपिक नंबर सिक्स पॉइंट फोर की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द प्रिडिससर ऑडिटर्स रिपोर्ट बेसिकली क्या बता रहे हैं कि अगर प्रिडिससर ऑडिटर था उसकी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन थी उसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन थी तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए आई होप वैसे तो आपको पढ़ के समझ आ गया होगा नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को देखो भाई क्या करना है आपके पुराने ईयर का आपका प्रीवियस ईयर का क्या था आपके प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट जो थी वो मॉडिफाइड थी अब आपको बोला जा रहा है एज पर फाइव फाइव वन जीरो कि आपने उस रिपोर्ट को कंसिडर कर लेना है आपने उस रिपोर्ट को कंसिडर कर लेना है उस मॉडिफिकेशन को कंसिडर कर लेना है वाइल डूइंग तीन सौ पंद्रह तीन सौ पंद्रह में हम क्या करते हैं वी आइडेंटिफाइ न रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली पिछली बार मॉडिफिकेशन थी तो अगर वो मॉडिफिकेशन अभी तक वो जो मिस स्टेटमेंट थी जिसके कारण मॉडिफिकेशन थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है तो रोमम जो है वो क्या होने वाला है ज़्यादा होने वाला है लीजिए देन बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके एक टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है यहाँ पे आपके पुराने टॉपिक जो है एज इट इज चल रहे हैं और वो क्या टॉपिक एड ऑन किया गया है आइए जरा देख लेते हैं जल्दी से तो सिक्स पॉइंट फोर वाला एक एड ऑन हो गया हमारे लिए और सिक्स पॉइंट जो है एक ऐड ऑन हो गया सिक्स पहले भी था हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी तो हमें यह भी चेक करना होता था भाई पाँच में के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलोड हैं या नहीं है ओके okay? लेकिन अगर ऑडिटर अब ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया बहुत इंपॉर्टेंट जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं मार्क कर लो एग्जाम में सर जी एज इट इज पूछ लेंगे लेकिन अगर एक ऑडिटर क्या करता है कॉन्क्लूड करता है कि करंट पीरियड की अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस राइट इन अकॉर्डिंग विद आर एफ और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर नहीं है या तो कंसिस्टेंटली अप्लाइड नहीं है या फिर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर नहीं है तो ऑडिटर को एक क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जो है वो देना चाहिए हाँ जी या फिर एडवर्स ओपिनियन जो है वो देना चाहिए ओके सो सिंपल सी बात आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो ओपनिंग बैलेंसेज में दिख रही थी वो भी आपने इस बार वही अपने इस साल फॉलो की हो और साथ साथ में अगर कोई चेंज है तो उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया हो लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करी है या फिर आपने प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा तो ऑडिटर को एक क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जो है वो देना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद एस एस लीजिए हाँ देन बात करते हैं सर फिर से मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन इन दी प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट तो अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट जो है प्रेडिससर ऑडिटर ओपिनियन रिगार्डिंग प्राइ पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या थी मॉडिफिकेशन थी पुराने ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या थी मॉडिफिकेशन थी ओके okay, और वो जिस चीज को लेके मॉडिफिकेशन थी वो आज भी एज इट इज रेलिवेंट है और मटेरियल है यानी करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो रेलिवेंट भी है और मटेरियल भी है तो ये ऑडिटर को भी अपना जो करंट ईयर ऑडिट हो रहा है उसमें भी ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा मॉडिफाई करना पड़ेगा इन अकॉर्डिड विद 705 एंड 710 710 की भी आपको वीडियोस दे चुके हैं हम लोग और 705 की भी वीडियोस आपको दे चुके हैं सो सिंपली स्पीकिंग अगर प्रोड्यसर ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था और जिस की जिस चीज के चलते जिस असेशन के चलते जिस मैटर के चलते वो रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी वो आज भी रेलिवेंट है और मटीरियल है तो आपको भी यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटर को भी अपनी ऑर्डर रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सात सौ पाँचों सात सौ दस को फॉलो जो है वो करना पड़ेगा तो ये चेंजेस थे आपके पाँच सौ दस से रिलेटेड अब चलते हैं ऐस से सौ यानी कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें देखने के लिए और समझने के लिए आइए तो अब ऐसे पाँच सौ पचास को लेकर क्या अपडेट आया है सीधा टॉपिक नंबर सेवन पॉइंट थ्री जो है वो इन्होंने एक अपडेट किया है पहले सेवन पॉइंट टू तक ही था और अब हमारे पास टॉपिक नंबर सेवन पॉइंट थ्री जो है वो एक नया टॉपिक पूरा का पूरा ऐड ऑन हो गया है आपके लेटेस्ट स्टडी मटीरियल में आइए तो अब पाँच सौ पचास की बात करना शुरू करते हैं द आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी मतलब आई आई डोंट एग्री विद दिस थिंग कि भाई आइडेंटिटी ऑफ मतलब क्या कहना चाहते हैं टॉपिक का जो है वो हेडिंग क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं हम लोग सर जी इसमें कुछ बातें जो है समझेंगे देखिए क्या कहना चाहते हैं कि सर में मैनेजमेंट से जो है रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है रिलेटेड पार्टी की एक लिस्ट लेनी होती है तो आपसे ये ना मतलब एक जन बहुत ही जनरल डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही जनरल डिस्कशन वो जनरल डिस्कशन हम भी कर देते हैं और हम थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर देंगे ताकि आप जो है एग्जाम में उसको लिख के आ पाएँ सो पॉइंट नंबर वन ये है कि भाई सबसे पहले ये चेक करो क्या एफ एफ क्या जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या वो कोई रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करता है रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करता है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो है रिलेटेड uh, पार्टी की आइडेंटिटी से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करनी है नहीं करनी है एटसेट्रा एट्सेट्रा क्या वो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश करता है या नहीं सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे अगर हाँ वो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश करता है तो तो भाई मौत जा ही मौत जा वाई बिकॉज अब मैनेजमेंट के पास रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेसन रेडली अवेलेबल होगी रेडली अवेलेबल होगी वाई क्योंकि सर मैनेजमेंट ने अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन किया होगा कि भाई हमारी को रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन दो क्योंकि हमें कंप्लाई करना है विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी वॉर्ड अकाउंटिंग प्रेजेंटेश रिक्वायरमेंट ऑफ दी फ्रेमवर्क सो इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियलोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टाब्लिश द रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट दैन वी कैन वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट इन रिलेशन टूटेड पार्टी बिकॉज इट विल रेडली अवेलेबल विद द मैनेजमेंट वाई विल रेडली अवेबल क्यों होगी भाई रेडली अवेलेबल इसलिए होगी रेडली अवेलेबल क्योंकि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग करनी है प्रेजेंटेशन करनी है और डिस्कलोजर करनी है किसकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन की कमॉन ऑन राइट right. इसके पास मैनेजमेंट के पास जो है एक लिस्ट ऑफ इसके लिए मैनेजमेंट के पास क्या होगी लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी होगी हम वो ऑप्टेन कर लेंगे राइट right. और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे हम प्रायर पीरियड की प्रायर पीरियड की यानी जो पुराना पीरियड था जिसका ऑडिट हुआ है अगर हमने उसमें कोई लिस्ट ऑप्टेन करी थी तो हम वो भी जो है ऑप्टेन करना चाहेंगे ओके प्रायर प्रायर पीरियड की से जो चेंजेस हुए हैं हम वो भी देखना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी कि भाई कोई नई रिलेटेड पार्टी आई है या नहीं आई है ओके कम ऑन लीजिए देन इसके बाद अगर एफ आर एफ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इस्टब्लिश नहीं करता ए एफ आर एफ रिलेटेड पार्टी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इस्टब्लिश नहीं करता अब देखिए वैसे तो इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं सर हमारे एफ आर एफ में सर रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स तो लिखी हुई हैं बट मैं बोलता हूँ कि एक बार के लिए एफ आर एफ जो है रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश नहीं करता है इन दैट केस ऑल्सो सर जी हमें मैनेजमेंट से मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन तो ऑप्टेन करनी है हम मैनेजमेंट से इंक्वायरीज तो करेंगे किस बात को लेके हम मैनेजमेंट से पूछेंगे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड पार्टी को लेके आप वो हमें दे दो आप हमें रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दे दो अगर आपने कोई मेंटेन कर रखी है तो कम ऑन कम ऑन और आपके पास कोई प्रीवियस पीरियड की भी कोई लिस्ट है आप वो रिलेटेड पार्टी की लिस्ट जो है आप हमें दे सकते हो और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो बात होने वाली वो ये है कि भाई अब ऑडिटर की जो इंक्वायरीज हैं ऑडिटर की जो इंक्वायरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आइडेंटिटी से रिलेटेड आइडेंटिटी से रिलेटेड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रैप्स दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रैप्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद तीन सौ पंद्रह इन अकॉर्डेंस विद तीन सौ पंद्रह क्योंकि यहाँ पर ऑडिटर जो है वो क्या करना चाहेगा ऑडिटर जो है सर जी अब अपनी जो इंक्वायरीज़ करेगा वो आइडेंटिटी को लेकर रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटी को लेकर उसका सर वो तीन सौ पंद्रह का इम्पैक्ट भी देखेगा मतलब वो उसके लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी हो जाएगा कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है क्या मैनेजमेंट के पास जो है वो सोर्सेज रहते हैं रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के एंड वाइल डूइंग वाइल डूइंग

हेल्प मिलेगी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या है वो इंफॉर्मेशन तीन बातें नंबर वन ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंटिटी का ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर राइट नंबर टू किस तरह की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं भी लिखना तो आपकी बुक में लिखा हुआ डोंट वरी एट ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और तीसरी चीज हमें देखना चाहेंगे कि भाई एंटिटी का फाइनेंस कैसे finance, है फाइनेंस हाउ एंटिटी इज फाइनेंसड इक्विटी है डेट है ये सारी बातें हम लोग ऐसे तीन सौ पंद्रह में पढ़ते भी हैं इक्विटी और डेट एट्सट्रा राइट ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑइटर लेना चाहेगा इफ इन केस एंटिटी के पास कोई सिस्टम नहीं है रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने का क्यों नहीं है क्योंकि ए की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑइटर सर रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटी को पता लगाना अपना जो है एक रिस्क कसमर प्रोसीजर का पार्ट बना लेगा और उसको रिस्क असेस करते समय इनसे रिलेटेड इन तीन चीज़ों पे वो ज़रूर 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 सवाल पूछेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चल सकती हैं किस रिलेटेड रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ऑडिटर को एक काम जो है वो और करके देखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में एक मिनट रुकीयेगा बहुत हो गया हाँ जी ऑडिटर को जो है एक काम और करके देखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में और वो काम क्या है वो एक्स्ट्रा काम क्या है मैं आपको बताता हूँ इधर देखिएगा ज़रा इट इज़ पॉसिबल के कुछ ऐसी एंटिटीज़ हो जिनके साथ जो हमारा क्लाइंट है जो हमारा क्लाइंट है बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता हो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करता हो राइट या रिसोर्स शेयरिंग करता हो रिसोर्स शेयरिंग करता हो सो देर में भी एंटिटीज़ जिनके साथ सर जी हमारे जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है और हमारा सिग्निफिकेंट uh, रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर रहा है रिसोर्स शेयरिंग मतलब कोई कॉमन बिल्डिंग हो सकती है कोई कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है कॉमन ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं सो इन पार्टीज़ के लिए ऑडिटर को स्पेसिफिकली जो है वो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई कहीं ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है सो वी कैन से दैट ऑडिटर शुड कीप हिज़ फोकस on parties specifically with which the entity the client is entering into significant transaction or the client is sharing resources to a significant degree ओके okay. सो so, ये कुछ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करी जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया है मैंने आपको उसको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है आप एक बार जो है उसको रीड आउट कर सकते हैं मुझे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं लगा कि भाई बस इसमें से एज इट इज क्वेश्चन बना देंगे कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो जरूर जरूर जरूर, जरूर बना सकते हैं डायरेक्ट एज सच मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहा है आइए अब एक क्वेश्चन जो है वो एड ऑन किया गया है हाउ कैन ऑर्डर वेरीफाई द एक्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन सो देखो सबसे पहले तो यही है भाई कि Uh, हम मैनेजमेंट से पूछते हैं लेकिन हमारे पास सर एक हथियार और होता है और वो क्या है सर वी शुड रिमेन अलर्ट फॉर रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन वैल रिव्यूंग द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें ये डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर दिए गए हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट तो नहीं करता कौन से कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स दो तीन बार रीड कीजिए अपने आप दिमाग बैठ जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न राइट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि एम वगैरह हो गई सेबी हो गई इनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है शेयर होल्डर रजिस्टर्स ताकि हम देख पाएँ सर जी जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है तो इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी शेयर होल्डर रजिस्टर अच्छा जी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टी सी सो कोई भी डिसीजन होता है उसके अंदर सर अगर किसी का इंटरेस्ट uh, इन्वॉल्व होता है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइल की जाती है या वो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी भी हो सकती है तो वो स्टेटमेंट हम देखना चाहेंगे एन के इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे कहाँ कर रखा है राइट एन टी ने इन्वेस्टमेंट्स जो देखेंगे कहाँ कहाँ कर रखी है जो भी एंटिटी के पास जो है पैसा है वो कहाँ कहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रखा है एंटिटी ने हम ये देख सकते हैं उससे पता चल सकता है कि भाई ये किसी अपने रिलेटेड पार्टी के पास तो बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और टी किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन वो एक रेकरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वंस इन अ टाइम वंस इन अ टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन काफी ज्यादा ऑड काफी ज्यादा एबजर्ड काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट का है स्पेसिफिक इन्वाइस एंड कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर राइट प्रोफेशनल एडवाइजर ने रिलेटेड पार्टी को लेकर क्या पता कोई सेशन दिया हो कोई ओपिनियन दिया हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय द एंटिटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे ले रखी है कैसे जो है क्यों हम जो है किसी का लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं ये सारी बातें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद एंटिटीज फाइलिंग इधर सिक्योरिटी रेगुलेटर एग्जाम्पल प्रॉस्पेक्टेस ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया था जो हमने रेगुलेटर की बात हुई तो बारह पॉइंट आपको दे रखे हैं आई विल सजेस्ट कोई आप उसको एक बार रीड तो कर ही लीजिए देखिए चार पाँच तो ऐसे ही याद हो जाते हैं एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न उसके बाद जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को आप इफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं शेयर होल्डर रजिस्टर तो ये तो हमें इतने तो याद हो ही गए हैं तीन तो हमें पक्का याद हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंटिटी की इन्वेस्टमेंट ठीक है देन उसके बाद मैनेजमेंट और टी के साथ कोई कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था तो वो चलो छः तो यहाँ तक याद हो गए फिर एंटिटीज़ फाइलिंग विथ सिक्योरिटी रेगुलेटर ये अलग से याद कर सकते हो इंटरनल इंटरनॉइटर रिपोर्ट एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुआ वो और आपका प्रोफेशनल uh, एडवाइजर्स के साथ जो कोई स्पेसिफिक इन्वाइस है या कॉरस्पॉन्डेंस आई है इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप राइट टू वेरीफाई दी एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन चलिए ये हमारा ऐसे 550 जो है यानी रेटेड पार्टी वाला जो भी अपडेट आया था वो भी हमने जो है यहाँ पे कवर कर लिया है छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से कवर करते हैं आप लोग यहाँ से मैच भी कर सकते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है और जो ऐसे के बुक में लिखा है वो बिल्कुल सेम है अच्छा अब यहाँ पे क्लिस नंबर थर्टीन जो है वो ऐड कर दी गई है उसमें क्या कहा गया है वाइल्ड ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंप्लीटली बैलेंस लिमिटेड फॉर दाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया दैट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई थी इवन दो दे वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली गई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई थी अरे भैया फिर तो ट्रू एंड फ्यू मतलब इतनी लाइन पढ़ गए मैं बोल सकता हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू है नहीं क्यों द इक्विपमेंट ऑफ एच amounting rupees 40000 the equipment h amounting rupees 40000 trade receivable rupees 29000 trade payable 22000 repair and maintenance 56000 other income 94000 every amount mentioned above was material in nature kya baat hai huh? कमेंट ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू इज डिपेटेड बाई द फाइनेशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नसीदा बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिपेक् दी ट्रू एंड फेयर व्यू बाई बिकॉज सर जी देर आमिशंस विच आर मेटीरियल इन नेचर एंड देर फॉर वी कैन नॉट से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं दिख रहा है आई आंसर एक बार रीड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीटली बैलेंस लिमिटेड फॉर द दाइनेशियल ट्वेंटी ट्वेंटी अ ट्रू एंड फेयर व्यू बिकॉज सर्टन मटीरियल ट्रांजेक्शन लीडिंग टू लाइबिलिटी इनकम एसेट एक्सपेंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ द एक्चुअल पोजिशन एज डिपेक्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देंशन कंपनी खल्लास चलिए आइए देन सर सब्सिक्वेंट इवेंट वाला जो है हमारे पास uh, एक टॉपिक है सब्सिक्वेंट इवेंट चलिए चलते हैं जी सब्सिक्वेंट इवेंट में इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कुछ डेफिनेशन दी हैं और मेरे हिसाब से अगर आप ये डेफिनेशन देखेंगे हमारे नोट्स के अंदर अगर आप जाके देखते हैं एच ए फाइव सिक्सटी के जो आपको नोट्स दिए गए हैं तो वहाँ पे सर आपके साथ जो है सारी चीज़ें पहले से ही हम लोग कवर करते हुए चलते हैं तो आपको एज सच घबराने की बिल्कुल भी जो है वो ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर कर लेना चाहिए एक बार तो आ जाओ जी कर लेते हैं सबसिक्वेंट इवेंट क्या है सर जी कोई भी इवेंट अक्रिंग अक्रिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आप अगर एक बार अपने नोट्स चेक करेंगे तो फॉर श्योर sure आपको वहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा हमने पहले से जो है वो कवर कर रखा होता है राइट सो इवन सक्रिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल डेट ऑफ ऑर्डिट रिपोर्ट एंड द फैक्ट्स विच बिकम नोन टू दिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डिट रिपोर्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर जी द डेट ऑफ द एंड ऑफ द लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट क्या है तो जो एज पर एज से हम उसमें साइन करते हैं वो थी हमारी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ये बातें आपको एक क्लास में पढ़ाई गई हैं पक्की बात है ओके अब ऐसे पाँच सौ साठ का पाँच सौ साठ किससे डील करता है ये बताया गया ये तो ऑलमोस्ट हर ऐसे में इन्होंने ऐड कर दिया है कि ऑडिटर की रिस्पॉसिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके कमॉन जल्दी जल्दी बताते जाओ ये बेटा ये चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ाई गई हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसको लेके सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके अब नीचे जो बातें डिस्कस की गई हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ इवेंट्स का इफेक्ट आ सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद आकर हुए हैं मैनी फाइनेंशियलियलियलियलियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली रेफर टू सच इवेंट्स आपको पता है टाइप वन इवेंट टाइप टू इवेंट हमने डिस्कस किया हुआ है आपका शायद मेरे टाइम पर भाई ए एस फोर जो है वो इससे डील करता था ए एस फोर या एस फाइव उम्मीद करता हूँ आपको पता है और वो कौन से इवेंट होते थे जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिनकी इवेंट जिनकी कंडीशन जो एग्जिस्ट नहीं करती थी कमान 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 सो so, कुछ की इवेंट कुछ की कंडीशन जो है एट द डेट एक्जिस्ट करती थी और कुछ की कंडीशन जो है वो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती थी और ऐसे सात सौ आपको क्या बोलता है कि जो डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है वो क्लियरली रीडर को एक इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई ऑडिटर ने ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को जो है कंसिडर किया है जिसका ऑडिटर को पता चला था अप टू दैट डेट दैट इज डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो जनरल डिस्कशन वेरी जेनरिक डिस्कशन कोई भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट जो है इसके अंदर आई है बस अब चलते हैं सर जल्दी से कि इसको लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो है वो क्या लिखा है अब ऑडिटर को क्या कहा जा रहा है ऑडिटर को कहा जा रहा है कि भाई आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है और मैनेजमेंट से क्या मांग लेनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करके मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि जितने भी इवेंट्स अगर हुए हैं सब्सिक्वेंटली द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिसके लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडजस्टमेंट या डिस्कलोजर करने के लिए कहता है उन इवेंट्स को आपने एडजस्ट और डिस्कलो कर दिया है जितने भी इवेंट्स अगर हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अगर उन इवेंट्स को आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडजस्ट और डिस्कलोज करने को कहता है तो आपने वो एडजस्ट और डिस्कलोज कर दिए राइट इस बात को लेकर मैनेजमेंट से क्या ले लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो ले लेंगे मैनेजमेंट से चलिए जी देन इसके बाद हमारे पास और क्या है देन हमारे पास सर गोइंग कंसर्न एजमेशन को लेके जो है कुछ बातें आई हैं गोइंग कंसर्न एजमिशन को लेके कहाँ पे आई हैं बातें मैं बता देता हूँ एक बार मैच कर लेते हैं ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स को साथ साथ मतलब ओल्ड बुक और न्यू बुक को साथ साथ तो ये हमारा काम जो है यहाँ पे हो चुका था ये वाला देन हम आ गए यहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग इवेंट्स अक्रिंग ठीक है जी ठीक है सो so, अब ऐसे 570 में मैंने देखा भाई कुछ अपडेट इन्होंने किया है अपनी बुक के अंदर बेसिकली चैप्टर नंबर थ्री के अंदर ऐसे पाँच सौ का जो जिक्र आ रहा है उसके अंदर तो क्या चीज़ अपडेट करी है ये चीज़ अपडेट करी है साहब कि भाई सबसे पहले तो ये पाँच डील किससे करता है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट टू गोइंग कंसर्न ये रिपीट ही इन्होंने जो है यहाँ पे बेसिकली ये हेडिंग बना के जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं बट एनी हम लोग चलते हैं सर आगे यहाँ पे एक पाँच सात सौ एक का जो है नोट दिया गया है ये आपको पहले से पता है सात सौ एक अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है सर जी गोइंग कंसर्न जो है वो क्या है कैम बाय नेचर है कम ऑन क्या जल्दी बताइए कैम बाय नेचर है अगर इफ देर इज अ मटरियल अनसर्टेटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मेक का सिग्निफिकेंट एंटिटी एबिलिटी सिग्निफिकेंट डाउट और एंटिटीज इंटिन्यूज गोइंग कंसर्न बाय इट्स वेरी नेचर इज अ कैम और सात सौ एक में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं तो या वहीं पर पढ़ सकते हैं बल्कि हमने पहले से जो है इसको कवर कर रखा है अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटेड एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एस 570 जो है वो बात की जा रही है कि भैया ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट जो है वो कैसे करना है इन रिलेशन टू एस 570 और ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप ये वाले पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम लोग क्लास में पहले से ही कवर करके चलते हैं कि भाई जब आप ऐसे तीन में रिस्क असेस कर रहे होते हैं तो ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए क्या कोई इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं दैट में कांट दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसन और ये करने के लिए ये लाइन आप देखेंगे एक्जैक्टली exactly आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि भाई मैनेजमेंट ने पहले से क्या कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है करी है ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू एज अ गोइंग कंसर्न अगर करी है तो ऑडिटर डिस्कस करता है मैनेजमेंट से ऑडिटर चल डिस्कस दी असेसमेंट विद मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन वेद मैनेजमेंट को कोई इवेंट और कंडीशन मिले थे दैट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू एब्लू एज अ गोइंग कंसर्न अगर मिले थे तो मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस कर रही है सो so, सबसे पहले 315 में रिस्क असेसमेंट में क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब आप गोइंग कंसर्न रिलेटेड रिस्क को असेस कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे आप देखेंगे क्या कोई क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है दैट में काट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने कोई पिलमिनरी असेसमेंट करी है अगर मैनेजमेंट ने कोई प्रिमिनरी असेसमेंट करी है बहुत ही बढ़िया है जी तो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि आपके प्रिमिनरी असेसमेंट के रिजल्ट हमें बताइए दिखाइए और पूछेंगे क्या कोई आपको यानी मैनेजमेंट को कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ऐसे कंडीशन दिखी थी दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू डू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न और अगर मैनेजमेंट ने आ, नहीं करी है मैनेजमेंट ने असेसमेंट जो है वो नहीं करी है तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए कि भाई आप किस बेसिस पे जो है गोइंग कंसर्न यूज़ कर रहे हैं ओके okay? और मैनेजमेंट से इक्वायर करना चाहिए क्या कोई इवेंट और कंडीशन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड देन ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट भी आप एज इट इज जो है पढ़ते हैं हमारी बुक में लिखा भी हुआ है ऑडिटर को थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना चाहिए फॉर दी ऑर एड एविडेंस ऑफ ईवेंट्स और कंडीशीन दट मे का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटी इज इव डू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न लास्ट लाइन आप लोग इग्नोर कर सकते हैं वन रीडिंग दीजिए आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको छोड़ सकते हैं तो ये हो गए हमारे पाँच सौ सत्तर सेलेटेड जो बातें थी वो हमने जो है यहाँ पर हमने कवर कर दी एक छोटी सी बात जो है और बच्ची है जो पाँच सौ सत्तर से रिलेटेड यहाँ पर आई है उसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से और वो बात स्क्वेयरली हम लोगों ने अपने नोट्स में जो है कवर करी हुई है 570 के नोट्स देखिए लास्ट में आपको जो है चार्ट्स बने हुए मिलेंगे जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग की बात करते हैं कि भाई रिपोर्टिंग जो है वो कैसे कैसे होगी अगर आप देखना चाहते हैं तो इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट वाला एक चार्ट है आप प्लीज़ बुक में जाके ऐसे पाँच में जाके जो है देख सकते हैं जहाँ पे दो पार्ट्स से में बात रखा है कि भाई यूज़ ऑफ़ जी ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी वहाँ पर तो हमें पहले से डिस्कस करके चलते थे यूज़ ऑफ़ जी इज़ इन अप्रोप्रेट अगर आपने देखा हो और ऐसे ही हमारा यूज़ ऑफ़ जी सी ए इज़ अप्रोप्रिएट बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पहले से ही जो है वो कवर कर रखी हैं तो इसको हम दोबारा यहाँ पे कवर नहीं करेंगे राइट अब आ जाते हैं सर इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे सो so भाई सबसे पहले जो है आपके पास ये कुछ करेक्ट इनकरेक्ट जो है एड ऑन हुए हैं जिसमें सबसे पहला करेक्ट इनकरेक्ट है हमारे पास फोर्थ वाला इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दी कंट्रोल मैं इस बात से जो है वो अग्री नहीं करता हूं इंक्वायरी सर जी अकेले कुछ भी नहीं करती आपको और जो है ऑडिट प्रोसीजर्स टू अपटेन ऑडिट एविडेंस जैसे कि ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह जो है लगाने पड़ेंगे टू चेक दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मिस्टर ए इज अ स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड द ब्रांच ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ऑडिटेड बाय मिस्टर बी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ए रिक्वेस्ट द फोटो कॉपीज़ ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिस्टर बी प्रिटेनिंग टू द ब्रांच ऑडिट तो सर जी यहाँ पे मैं क्या पूछना क्या चाह रहे हैं ये करेक्ट इन करेक्ट क्या बोलूँ क्या इसमें तो मिस्टर ए सही है कि गलत है तो भाई मेरे हिसाब से मिस्टर ए जो है वो गलत है क्योंकि एस क्यू सी वन जो है आपका और एस से दो सौ तीस भी अगर आप पढ़ेंगे ऐसे दो सौ तीस और आपका एस क्यू सी वन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर्टी होती है किसकी ऑडिटर की अपनी डिस्क्रिप्शन पर जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल करा सकता है क्लाइंट को राइट right? हाँ अपने क्लाइंट को जो है वो अवेलेबल करा सकता है लेकिन उस केस में याद रखिएगा सर उसके वर्क को उसके वर्क की क्वालिटी अंडरमाइन ना हो एंड स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ दी एबीसी लिमिटेड है जो मिस्टर बी ऑडिट कर रहे हैं मिस्टर ए ने फोटो कॉपी मांगी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिस्टर बी की तो मिस्टर बी सर रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है देन वैन दर्डर इंक्वायर्स दैट द मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स इट शुड बी फॉर्मल रिटर्न फॉर्म ओनली एंड नॉट इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी वैन ऑर्डर इंक्वायर्ज द मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ द हाँ तो इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी हो सकती है सर क्यों नहीं हो सकती है हमने पढ़ा भी यही है यह क्लास के अंदर इनफॉर्मल इंक्वायरीज भी हो सकती है बाद में उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी चाहिए असेशन रेफर टू रिप्रेजेंटेशन बाय दर खत्म यहीं खत्म हो गया सर जी इट इज रिप्रेजेंटेशन बाई मैनेजमेंट एक्सप्लेटर अदरवाइज एम्बॉर्डेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके थियोरटिकल क्वेश्चन में सर कुछ चीजें ऐड हुई हैं आई जरा पढ़ लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेवन मेसर पंकज एंड एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड सी ए पंकज डिड नॉट अप्लाई एनी ऑडिट प्रोसेस रिगार्डिंग दी ओपनिंग बैलेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिड बाई प्रसर ऑडिडर देर वर ही इज नॉट रिक्वायर टू वेरीफाई दम इस पंकज करेक्ट इज अप्रोच मेरे हिसाब से सर पंकज जो है बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है पंकज इज रॉन्ग क्योंकि सर जी यहाँ पे जो है आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं और ओपनिंग बैलेंस जो है वो एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं और बाकी जो आपको पाँच में सिखाया गया वो भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इफॉर्मेशन यूज बाई द कंक्लूजन ओके ऑन ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दट ऑर्डर रिक्वर कनेक्शन विद द ऑडिट ठीक है अकॉर्डिंगली सिमिलर टू द रिस्पॉन्स इंक्वाइरी रिटन रिप्रेस ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन स्टेडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हो तो येस हमें समझ आता है कि सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है आपके लिए ऑडिट एविडेंस है और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव की अगर बात चलिए तो सर एस ए आपको जो है चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हमने जो पढ़ाया है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस ए का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा जिसको मैं बोलता हूँ ओम साई राम ऑप्टेन सपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड ऑप्टेन सपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड तो ये हमने वहाँ पर कवर कर रखा है The nature of related party relationship and transaction may in some circumstances नेचर रिलेटेड पार्ट रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट हायर रिस्क ऑफ मेडिल अरे कहा जा रहा है एक्सप्लेन विद्पे hmm. so, भाई बात ऐसी है के आपका एक मिनटा क्यों ninth क्यों छोड़ दिया हमने ninth करेंगे पहले

एंड फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं भैया आप कैसे जो इस मैटर को एड्रेस करने वाले हो आइए टेंथ द नेचर ऑफ रिलेटेड फार्ट रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन में इन सम गिव राइज टू हायर रिस्क ऑफ मेडल स्टेटमेंट ओके ओके बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल हायर रिस्क ऑफ मिटल स्टेटमेंट होते हैं आपसे आप कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो मांग रहे हैं तो एग्जाम्पल्स uh, आप इसको दे सकते हैं आई सी एन एम मोस्ट ऑबली सी क्वेश्चन के आंसर में जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे अब वो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं बस स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्या भाई भर भर के क्वेश्चन ऐड कर दिए उन्होंने नलायक होने चलो कोई बात नहीं अरे हम नलायक हम हम पापी हम दुष्ट वन यूजिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग सेंडिंग द रिक्वेस्ट ओके ओके ये क्वेश्चन सर हमने करा हुआ है अदर पॉइंट्स टू बी टू वेन ठीक है ये पॉइंट सर हमने एज जो है क्वेश्चन हमने करा हुआ है पार्टी सेलेक्ट करो क्या इन्फॉर्मेशन मंगानी है एटसेट्रा एटसेट्रा ओके देन ट्वेल्थ क्वेश्चन सर एक्सप्लेन क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन क्लियरली द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स रेलिवेंट इन इन प्लानिंग एंड अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ इसको जरूर, जरूर 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 पढ़ कर जाएँ तो आपको बताना है कि वो मैटर्स जो रेलिवेंट इन प्लानिंग द अटेंडिंग सबसे पहले तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री आंख बंद करके नेचर ऑफ इन्वेंट्री भैया पेट्रोल है कोयला है सीमेंट है टेडीवियर है क्या है सो so, नेचर ऑफ इन्वेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right. देन उसके बाद इन्वेंट्री के साथ साथ कैसे रिस्क एसोसिएटेड है इंटरनल कंट्रोल कैसा है इन्वेंट्री पे राइट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो है कब की गई है अगर बिल्कुल अभी अभी की गई है तो सर जी हमारा अलग जो है वो थॉट हो सकता है प्लानिंग को लेके मतलब अटेंडेंस को लेके ओके एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं तो ये सारे फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप एक बार आई के स्टडी में पढ़िएगा आपको तृप्ति जो है वो हो जाएगी द ऑडिटर ऑफ पी एंड पी ऑफ पी आर एन कंपनी फॉर मोर चार्ट अकाउंटेंस कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एब इंडस्ट्रीज लिमिटेड द ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ट प्रोवाइड बैंक सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट वेर एज मैनेजमेंट प्रोवाइज ओन रिटन रिप्रजेंटेशन ऑन द मेटर एनालाइज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर देखो यहां पर मैनेजमेंट ने जो है क्या किया है रिटर्न रिप्रजेंटेशन दे दिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है बट सफिशेंट एंड एप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस नहीं है यू कैन नॉट यू कैन नॉट फॉम एन ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पर सर ऑडिटर की अप्रोच जो है वो सही मुझे नहीं लग रही है सो so, मैं अगर ऑडिटर होता तो सर मैं यहाँ पर जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूर जरूर मांगता तो इसलिए मैं इसमें बोलेंगे भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है बट सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है राइट मैनेजमेंट चाहे कितने रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे हमें तो सर अपने ऑडिट एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना ही पड़ेगा कमॉन 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 राइट सो so, सिंपल सी बात है भाई ऑडिटर को सर मैनेजमेंट से जो है बैंक सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा अदरवाइज काम नहीं चलेगा मोस्ट ऑफ द ऑडिटर वर्क इन फॉर्मिंग ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग एंड वैलुएटिंग ऑडिट एविडेंस तो बहुत ही बेसिक एक मैं बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन है सर जिसमें आपको अपनी पूरी ऑडिट की नॉलेज दिखा क्या नहीं है तो आप एक बार इसका आंसर जो है वो रीड कर सकते हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर ऑडिशल डिजाइन एंड परफॉर्म एक्सटैंड प्रोसीजर फॉर ईच मिडिल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक बात है सर अगेन बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आप कुछ भी कर लो चाहे आपका एस रिस्क रेल इसको स्टेटमेंट कितना ही कम हो हमें सब्जी सब प्रोसीजर तो करने ही करने हैं ईच मिटेल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजर के लिए इसको कोई रोक नहीं सकता है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना तीन का क्वेश्चन है तीन का ओके okay? और आई कहते हैं भाई 330 मत पढ़ के आना सब मेरे हिसाब से 330 का क्वेश्चन है आप अपने नोट्स चेक कीजिए जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं प्लीज़ अपने नोट्स चेक कीजिए ऐसे 330 के नोट्स मैंने आपको चैप्टर फोर में दे हैं वहाँ पे आप एक्जैक्टली आपको लाइन लिखी मिल जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ दी एस एस रिस्क ऑफ मंडल स्टेटमेंट द ऑटर शल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटैटिड प्रसर्व फॉर ईच मेडिल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजर तो वो डिस्कशन रेफर कीजिए और पीछे जो आपको आंसर दे रखा होगा आईसीआई ने उसको आप एक बार रेफर कीजिए आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ आएंगी आप आगे उसके बाद बढ़ सकते हैं फिर एन एस एन एसोसिएट्स

ये जो कंपनी है ना कंपनी के पास साफ साफ ऐसे इवेंट्स और कंडीशन दिखाई दे रहे हैं ओके okay? तो गोइंग कंसर्न की जो यूसेज है जो गोइंग कंसर्न एक्जम्शन की यूसेज है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं नजर आ रही है तो सबसे पहले तो सर ऑडिटर को जो है मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि भाई आपने मुझे सेटिसफेक्ट्री रिप्लाई भी नहीं दिया इसलिए आप गोइंग कंसर्न तो नहीं लग रहे हो और उसके बाद ही मैनेजमेंट अगर नहीं मानती है तो भैया ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट पर जो है इसका इम्पैक्ट दिखाना चाहिए पक्की बात देन नेक्स्ट पॉइंट र दैच्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ टी यू वी लिमिटेड फॉर देंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी देव बीन अपॉइंटेड एज द स्टेड टीवी टी यू लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम वट इज ऑब्जेक्टिव अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है पांच सौ दस का ऑब्जेक्टिव बता दो पांच सौ दस का ऑब्जेक्टिव तो ये सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना किस बात को लेके कि भाई जो ओपनिंग बैलेंस है कहीं उसमें कोई वो मेड ओपनिंग बैलेंस में Uh, कई ओपनिंग बैलेंस में को मिस्टेटमेंट तो नहीं जो मेटली इफेक्ट करती है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रही है अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस में वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राइट और जो चेंजेस अगर हुए हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में तो वो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज हैं ओके वॉट इज ऑफ़ बाय सफिंसीडिडेंस एक्सप्लेन द फैक्टर्स सर इस पर हमारा डिस्शन हो गया था कि भाई सफिशियंस क्या होती है और उसके फैक्टर्स आपने आईसीआई की बुक्स से ही पढ़ने भाई और वो फैक्टर्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ तीन फैक्टर्स आईसी है जो वो डिस्कस करता है आ जा भाई नहीं? ये क्या कर दिया भैया हाँ ये रहा मटर्निटी रिस्क ऑफ स्टेटमेंट एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन तो ये फैक्टर्स आप लोग डिस्कस करके आ सकते हैं और इस पर कामारा चैप्टर थ्री भी जो है वो हो जाता है फिनिश ऑल द बेस्ट बाय बाय चैप्टर फोर की बात करना शुरू करते हैं और चैप्टर फोर में हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं तो सबसे पहले ऑडिट रिस्क के बारे में कुछ बातें लिखी हैं एक बार आप इसको रीड कीजिए आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो हमने कवर नहीं किया सब कुछ हमारी कवरेज के अंदर से सेम इज़ विद इनरेंट रिस्क और आपका जो कंट्रोल रिस्क है एक एक चीज़ एक एक चीज़ जो है हमने अच्छे से कवर कर रखी है एक एग्जाम्पल आपके लिए पढ़ देता हूँ ये भी कवर्ड है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कवर नहीं करी होगी

एक फिर से यही डिटक्शन रिस्क का भी इन्होंने एक एक्जाम्पल देने की कोशिश करी तो डिडक्शन रिस्क होता क्या है मित्रों नहीं आप मुझे बताओ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क डिटेक्शन रिस्क यही तो होता है कि भैया ऑडिटर जब अपने प्रोसेसर लगाएगा ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड दैट कुड मटीरियली इधर इंडिविजुअली और वन एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट इफेक्ट द मेटीरियल इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट सो बेसिकली ऑडिट प्रोसेजर जो है ऑडिटर के वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे दैट्स इट इसी को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क अब उसी के एग्जाम्पल दे रखा है

देन इसका भी एग्जाम्पल दे रखा है सिर्फ रीडिंग का है सिर्फ रीडिंग दीजिएगा रीडिंग देके आपका काम जो है वो चल जाएगा देन बात करते हैं सर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर टू की सेम बात सिर्फ रीडिंग दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग दीजिएगा आपको मैं करवा भी देता हूँ पार्टनरशिप एम ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स एच टी एन एसोसिएट्स वॉज अपॉइंटेड टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वाइंड एंड आइज लिमिटेड

और कहाँ पे चेंज आया स्टडी मटेरियल में फिर से वही इलस्ट्रेशन फोर एक बार आप पढ़ के काम चला सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ

और कहते दे वड नॉट हेल्प इन एनी 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 मेनर इन रिलेशन टू ऑडिट प्रोसीजर क्या बात कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसी विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर द सबस्टैंडिव प्रोसीजर्स राइट आइए जी सो व्यू ऑफ द टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर इज इन करेक्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग आई सी द कंपनी वुड हेल्प द ऑडिटर एंड इज टीम इन डिजाइनिंग द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी अपलाइड वाई कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी आइए

एच एक टीम मेंबर है ऑडिट फॉर्म का वॉज ऑफ द व्यू दट एवेल्यूशन ऑफ आई सी ऑफ द कंपनी वुड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरियाज वेर इंटरनल कंट्रोल इज वीक यस बिल्कुल ठीक बात है सर जब रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आई आई सी जो है वो वीक है कहाँ पे जो है वो स्ट्रांग है अरविंद केजरीवाल वाला वाल क्वेश्चन एक बार देखिएगा आप लोग लीजिए सेम सर बातें जो है यहाँ पे है थोड़ा सा ये मैं बोलूँगा आपसे कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से आसान है बिल्कुल बिल्कुल आसान है इंपॉर्टेंट है और आसान है

और जो वो है आंसर करेंगे एम्प्लॉयज कंपनी आफ्टर ओपनिनंग आंसर दे वॉज डिस्कशन रिलेटेड टू दोज आंसर बिटवीन टीम मेंबर एंड ऑफ द ऑर्डर एंड द इंप्लाइज ऑफ द कंपनी फॉर अ क्लियर पिक्चर स्टेट द मेथड ऑफ ए ऑफ आईसी सर जी आई क्यू यूज़ किया इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर यूज़ किया इन्होंने राइट right, तो ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं आप देखिए ये बहुत ईजी है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा चलिए मैं इसको बंद ही कर देता हूँ मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी लिखने में आ जाओ जी द मेथड ऑफ वेल ये तो हमने पढ़ी लिया रजिस्ट्रेशन नंबर एलेवन एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर एलेवन कुछ टच स्क्रीन में प्रॉब्लम है हेल्दी एंड यूजफुल लिमिटेड इज इन टू स्मॉल मैनुफेक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ एवेल्यूएंग द आई सी ऑफ हेल्दी एंड यूजफुल अ टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर यूज द मेथड अकॉर्डिंग टू विच होल डिस्क्रिप्शन ये वर्ड आती से मेरा आंसर बन गया होल डिस्क्रिप्शन ऑफ आई सी दैट वॉज ऑपरेटिंग इन द सेट कंपनी वॉज टू बी रिकॉर्डेड नेगेटिव रिकॉर्ड आइडेंटिफाई द मैथड सर जी नेगेटिव रिकॉर्ड जब आप पूरा आई सी को जो है लिखने की कोशिश करते हो तो आप कौन सा मैथड यूज कर रहे होते होते हो नरेटिव रिकॉर्ड राइट

वन ऑफ़ द टीम मेम्बर्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ रीजनेबली चेयरफुल लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू दट रिस्क दैट वर आइडेंटीफाई इन द कोर्स ऑफ ऑडिट वट नॉट रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड क्यों भाई नहीं क्यों क्यों डॉक्यूमेंट नहीं करोगे सर जी जितने भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं रिस्क ऑफ स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोशियन लेवल वो सारे आपको डॉक्यूमेंट करने कमऑन लीजिए तो भैया एन भैया जो है वो सही नहीं बोल रहे हैं क्या सिर्फ एलिस्टेशन स्टेशन डाल दिए

यहाँ पे टर्न ओवर भी बता रखा है तो टर्न ओवर भी सर हमारा 200 करोड़ का लिमिट होती थी आई होप आपको पता होगा 200 करोड़ से ऊपर जाएंगे अगर हम लोग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल हो गया ये लीजिए टर्न ओवर टू हंड्रेड करोड़ हो गया हमारे पास तो टर्न ओवर दो सौ करोड़ से ऊपर भी लगाओ इंटरनल ऑडिटर आगे चलो आगे चलो एक ये क्वेश्चन है एक ये इलिस्ट्रेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपने करनी है अच्छे तरीके से नंबर समय मिला तो मैं इसका आंसर बना दूंगा फिर बोल रहा हूँ समय मिला तो अदरवाइज प्लीज इसको रीड कीजिए कंप्लीट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए एक चीज आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी तक के लिए आ जाओ देन इलिस्ट्रेशन नंबर सेवेंटीन मिस्टर टी वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ओवर केयरफुल लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यू दूट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी क्या बात कर रहे हो सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का सर जी काफ़ी रिलेशन होता है अकाउंटिंग से कैसे ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एश्योर कराते हैं क्या एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेक्शन वन थर्टी फोर सब सेक्शन फाइव क्लॉज ई इफ एम नॉट रॉन्ग सही जवाब आइए ख़त्म चैप्टर इस चैप्टर के अंदर सर ये चेंजेस हैं कुछ सर आपके अब क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस है, कर लेते हैं एक बार जरा देख लेते हैं कि भाई क्या नए क्वेश्चन जो हैं वो एडअप हुए हैं और मुझे नहीं लगता आपको इनसे बिल्कुल भी दूर दूर तक किसी भी तरीके से कोई घबराने की जरूरत है आइए जरा देखना शुरू करते हैं जल्दी से सो सिक्स सेवेंथ एट्थ आई थिंक जय वो नए ऐड हुए हैं और आ आ जाओ जी, आ जाओ जी वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वेरी फ्रेश वेरी फ्रेश फ्रूट लिमिटेड क्या क्या नाम रख रहे यार? न, हो यार सीधा बोल देना कंपनी मोस्ट ऑफ द व्यू दैट इंटरनल ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड एंड मस्ट बी एन एम्प्लॉय क्यों भाई जरूरी थोड़ा ना इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो आउटसाइडर भी हो सकता है ओके okay. मिस्टर डब्ल्यू वन ऑफ द टीम मेबर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट लिमिटेड वॉज ऑफ़ द व्यू दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई सी ओ डिट लिमिटेड वॉज हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ऑफ मेबर ठीक है ठीक है विल नॉट विल नॉट हेल्प इन डेवलपिंग दॉडिट प्रोग्राम तो सर ये गलत है भैया डब्ल्यू भैया गलत बोल रहे हैं इट विल्प इन डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम

फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं वैन ऑडिटर फिफ्थ क्वेश्चन वैन ऑडिटेड आइडेंटिफाई डिफिशियंसी इन रिपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल ही डिटरमाइ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असशन दट आर इफेक्टेड बाई इफेक्टिव कंट्रोल इन ऑर्डर टू वैट द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन से भाई मुझे ज़्यादा डर आ जाओ जरा देख लेते हैं अब ये फिफ्थ वाले का जो आंसर है ना इसको भाई बड़े आराम आराम से प्यार प्यार से मेरे साथ समझना सो so, देखो कह क्या रहे हैं कह ये रहे हैं कि भैया ऑडिटर को बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा बट फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू आपको जरूर दूंगा ऑडिटर को एक डेफिशिएंसी मिली है राइट right? डेफिशिएंसी किस में मिली है आई में यू कैन रिलेटेड विद एस ए एंड एस ए ओके ऑडिटर को एक डेफिशेंसी मिली है किसपे इंटरनल कंट्रोल्स पे। अब वो देखेगा कि इस डेफिशिएंसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी असशंस पे जो है इम्पैक्ट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी असेशंस पे जो है वो इफेक्ट होता है इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस इनफेक्टिव कंट्रोल राइट ताकि वो क्या कर पाए ताकि सर जी वो ये डिमाइन कर पाए कि इस डेफिशेंसी का इफेक्ट जो है ना मेरे असेसमेंट पे यानी कि ऑडिटर के असेसमेंट पे जो ऑडिटर ने असेसमेंट किया था आईसी का जो ऑडिटर ने असेसमेंट किया था कंट्रोल का बेसिकली जो आई आई का असेसमेंट क्यों किया था कंट्रोल रिस्क जानने के लिए राइट right. वो पता लगा पाए फिर से सुनिए ऑडिटर को डेफिशिएंसी मिली है इंटरनल कंट्रोल पे तो वो देखेगा भैया कि इस इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी का इंपैक्ट जो है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या क्या रहा कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असशंस हैं विच आर इफेक्टेड बाय दिस डेफिशियंसी इन द इंटरनल कंट्रोल क्यों देख रहा है वो ताकि वो इवेल्युएट कर पाएगा इफेक्ट ऑन द कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ऑडिटर ने कंट्रोल रिस्क असेस किया होगा ऑडिटर ने कंट्रोल रिस्क को असेस किया होगा बेटा अब उस कंट्रोल रिस्क पे इस बात का क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है ये देखने के लिए अब देखिएगा जरा क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है सुन लीजिए आप एक बार इसको बैक से रीड भी कर लेंगे तो भी क्लैरिटी आ जाएगी आप बेसिक चीज़ सुन लीजिए फिर से बोलता हूँ ऑडिटर को डेफिशेंसी मिली आई में ऑडिटर चेक करेगा इस डेफिशंसी का कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेशन पे इम्पैक्ट आने वाला है ऑडिटर ये क्यों चेक कर पा रहा है क्यों चेक करना चाह रहा है ताकि सर वो देख पाए कि अल्टीमेटली वो इवेलुएट कर पाए इस चीज़ का इफेक्ट इवेलुएट किस इवेल्यूएट कर पाए इफेक्ट ऑफ द डिफिशंसी इन इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेशन किस चीज़ पर अपने कंट्रोल रिस्क असेसमेंट पर कंट्रोल उसने अपने कंट्रोल रिस्क क्या करी है असेसमेंट करी है कमार उसने अपने कंट्रोल रिस्क क्या करी है असेसमेंट करी है कंट्रोल रिस्क असेसमेंट क्या हो सकती है रिलाय करना है या नॉट नॉट रिलाय नहीं कर नॉट रिलाय ऑन कंट्रोल या तो रिलाय ऑन कंट्रोल या तो नॉट रिलाय ऑन कंट्रोल उसने कंट्रोल रिस्क असेसमेंट कर रखी थी रिलाय ऑन कंट्रोल तो वो कैसे देखेगा इस चीज को या उसने कर रखा था नॉट रिलाय ऑन कंट्रोल वो चेंज करना चाहता है तो वो कैसे देखेगा फिर से इस पूरे प्रोग्राम को आप समझें ऑडिटर को डेफिशिएंसी मिली है आईसी पे ऑडिटर देखना चाहता है इस डेफिशिएंसी का इंपैक्ट क्या आ रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेसमेंट पे ताकि मैं इवेलुएट कर पाऊं कि जो मेरी कंट्रोल रिस्क असेसमेंट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा इसका इट right. और अगर कंट्रोलर से असेसमेंट भी इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है फॉर द ऑडिट उसके ऊपर भी जो है वो इफेक्ट आएगा लीजिए स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी फॉर द ऑडिट ओके चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी समझते हैं मतलब ये तो एक पार्ट हो गया इससे हम बेस बना देंगे अपने आंसर का कि भाई ऑडिटर विल ऑडिटर विल डिटरमाइन दी इफ वेन वेन एवर ऑडिटर आइडेंटिफाइज दी द इन इंटरनल कंट्रोल ही विल ही विल चेक व्हाट व्हाट आर द इफेक्ट्स दिस डेफिशियंसी इज़ कॉजिंग ऑन वॉट ऑन वॉट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंटेशन सो दैट ही कैन इवेलुए द इफेक्ट ऑन द कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ही हैज मेड एंड द स्ट्रैटेजी फॉर द ऑडिट ओके अब क्या होगा अब ज़रा सुनिएगा अब हम इसके सेकेंड पार्ट में कैसे लिखेंगे हम बोलेंगे साहब देखो बात ऐसी है एक असशन है एक असशन पे बहुत सारे जो है वो कंट्रोल्स लगे हो सकते हैं मान लो परचेज़ ऑफ गुड्स की असेशन है राइट right? परचेज़ का सर हमारा जो एक अमाउंट है या हमने जो परचेज़ की ट्रांजेक्शन है राइट right? वो एक असेशन है हमारी अब आपको है ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारी जो है चीज़ें निकल के आ सकती हैं ओ सी ए सी सी आपको याद होना चाहिए अब उसके ऊपर बहुत सारे तरह के कंट्रोल्स लगे हो सकते हैं कंट्रोल वन कंट्रोल टू कंट्रोल थ्री कंट्रोल वन में क्या निकल के आ गई है डेफिशेंसी जो है वो निकल के आ गई है राइट एंड इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट अब इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसोसन अब जैसी कंट्रोल डिफिशेंसी आएगी ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर बाकी कंट्रोल्स को भी चेक करेगा कंट्रोल वन तो हो गया उसने कंट्रोल टू और कंट्रोल थ्री को चेक किया ओके एंड नाउ ही विल इवेल्युएट द कंट्रोल रिस्क कंसडरिंग ऑल द कंट्रोल्स अब वो इन तीनों को चेक करने के बाद बताएगा भैया कंट्रोल रिस्क कैसा है इन तीनों को चेक करने के बाद बताएगा कि भैया कंट्रोल रिस्क जो है वो कैसा है अब अगर ये कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल्स जो हैं यानी कि जो दूसरे कंट्रोल्स थे वो निकले सर जी हमारे परफेक्ट और वो निकले हमारे गुड तो हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं क्या वी विल रिलाई ऑन कंट्रोल्स वी विल रिलाई ऑन कंट्रोल ऑल दो देर इज अ डेफिशियसी इन इंटरनल कंट्रोल विच इज हैविंग एन इफेक्ट विच इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन बट ऑडिटर विल ऑल्सो चेक ऑडिटर विल ऑल्सो चेक अदर कंट्रोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर असर्शन एंड ओनली आफ्टर चेकिंग ऑल द कंट्रोल्स ही विल एवेल्यूएड कंट्रोल रिस्क

to रिलाय ऑन कंट्रोल्स ओके मन में एक सवाल आ सकता है सर मान लेते हैं ये एक assertion है और इस assertion से रिलेटेड एक लौता कंट्रोल था जिस कंट्रोल के अंदर क्या निकल गई है डेफिशियंसी निकल गई है अब आप मुझे बताइए अब आप मुझे बताइए ये कंट्रोल के अंदर डेफिशियंसी निकल गई यानी यह कंट्रोल जो है वो क्या बन चुका है इन इफेक्टिव कंट्रोल बन चुका है एंड दिस वॉज द ओनली कंट्रोल विच वॉज आइडेंटिफाइड फॉर द पर्टिकुलर असेशन दिस वॉज द ओनली कंट्रोल विच वॉज आइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर तो क्या करना पड़ेगा सर जी अब सर तो आप तो पक्का है अब आप तो आपका सिर्फ एक ही वैल्यूशन बसती है और वो क्या है नॉट टू रिलाय ऑन कंट्रोल्स सिंपल नॉट टू रिलाय ऑन वॉट कंट्रोल्स डन चलिए अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने देखा तो भाई बात ऐसी है ऑडिटर को मिली एक डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असशन तो अब ऑडिटर के लिए वो डिफिशेंसी को जो है ना इवेलुएट करना जरूरी हो जाता है क्यों इवेलुए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उसी के बेस पर ऑडिटर जो है अपने कंट्रोल रिस्क की इवेलुएशन जो है ना और साथ साथ में जो स्ट्रेटजी फॉर ऑडिट है उसको भी इम्पैक्ट देखेगा अब क्या होगा इसको थोड़ा सा और समझाया गया कि भाई एक असेशन है उसके ऊपर तीन चार कंट्रोल्स थे एक कंट्रोल जो है डिफिशियंट निकला ऑडिटर ने बाकी कंट्रोल्स को चेक किया वो इफेक्टिव निकले तो विल रिलाई ऑन कंट्रोल और अगर मैंने पहले रिलाई ऑन कंट्रोल बोला था वी विल मेंटेन द रिलाई ऑन कंट्रोल इवेलुएशन और अगर ये भी इनफेक्टिव निकले तो भाई वी विल नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल और अगर कोई एक ही एक असेशन पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल लगता था वही इनफेक्टिव निकला तो तो पक्की बात है क्या हो जाएगा नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल जो हो जाएगा एंड डेफिनेटली याद रखिएगा इंटरनल कंट्रोल में जो चेंजेस आएंगे या जो डिफिशंसी मिलेगी इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा अपने को किस पे हमारे सब्सान प्रोसीजर्स पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो क्या है ऑप्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स सिन इंक्लूडिंग डी 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 कॉन्टियस प्रोसेस ऑफ गैरिंग अपडेटिंग एनाइज इनफॉर्मेशन थ्राउट ऑड एनालाइज एंड एक्सप्लेन गिविंग तो भाई अब क्या बताएं भाई इसके अंदर एक इस बार अब इसको बैक बैक साइड से जो आई सी के आंसर वहाँ से पढ़ सकते हैं अल्टीमेटली सर ऑडिट जो है वो घूमता तो इसी के आसपास है ऑप्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इट्स नॉम एंड आई सी क्यों इसी से सर जी आप लोगों को जो है आ, रोमम के बारे में पता चलेगा इसी के बाद आप मटिलिटी अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं इसी के बाद जो है आप डिसाइड करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज कौन से जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए राइट और साथ साथ इसी के बाद जो है आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करना शुरू करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए एंड फाइनली सफिशंसी एंड अप्रोप्रेटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस जो है वो इसी के बाद एवेलुएट हो पाती है जब आप एक बार किसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंटिटी को उसके इन्वायरमेंट को और उस रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को

इट हैज बी सजेस्ट एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ आईसी शुड बी टेस्टेड बाई द्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेथ एग्जाम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर फॉर सेल्स लो बाई लो तो कहा जा रहा है कि सर जी एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड भी टेस्टेड बाय वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ तो कहते हैं जी इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रोसीजरल टेस्ट जो है वो रन करने पड़ेंगे और एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इन डेप्थ ये बढ़िया क्वेश्चन है इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए एट वाले क्वेश्चन को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसे हम आई सी स्टडी मटेरियल से साथ साथ कवर भी करते हुए चलेंगे तो ये बहुत 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 जरूरी है अगर आप एक्चुअल ऑपरेशन को सर टेस्ट करना चाहते हैं इंटरनल कंट्रोल के तो आपको प्रोसीजरल टेस्ट रन करने पड़ेंगे व्हाट इज प्रोसीजरल टेस्ट आप डमी ट्रांजैक्शंस करके देखिए आप ट्रांजेक्शन का फ्लो देखिए आप वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करके देखिए और एक एक स्टेप देखिए एक एक स्टेप देखिए आप ऑडिट में इंटरनल uh, कंट्रोल में कैसे जो है वो काम करता है क्या क्या स्टेप्स हैं कहाँ कहाँ पे चेक्स लगे हुए हैं क्या वो चेक्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं राइट अब प्रोसीजर टेस्ट का मतलब इन्होंने बताया है टेस्टिंग ऑफ कंप्लाइंस विद द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट मैंने क्या बोला आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बस सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को स्टेप्स जो हैं जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फॉर एग्जांपल परचे में फॉर एग्जांपल सेल्स में फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ एक्जिस में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व आपने वो एग्जीक्यूट करके देखने हैं आपने एक एक स्टेप जो है खुद लेके देखना है और आपने देखना है कि सर जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना रखी है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है सो प्रोसीजरल टेस्ट सिंपली मीन टेस्टिंग ऑफ कंप्लाइंस विद प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन ऑथोराइजेशन रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एट ईच स्टेज थ्रू आउट विच इट फ्लोज गाइज ये के ना आपको मजा आ जाना चाहिए इंटरनल कंट्रोल को अगर आपने चेक करना है आपको अगर इंटरनल कंट्रोल को ढंग से चेक करना है तो सर एक तो प्रोसीजर टेस्ट कीजिए और एक एग्जामिनेशन इन डेप्थ जो है वो कीजिए प्रोसीजल टेस्ट आपको पता चल गया आपने देखना है कि भाई जो भी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन को शुरू करना ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन करना सर ये सारी चीजें जब आप करके देखते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं प्रोसीजरल टेस्ट और इससे आपको पता चलता है कि आई कैसा है अब सेल्स के रिगार्डिंग अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो क्या होगा जरा देखिए तो कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले इन्वेंट्री की पोजीशन पता कर लें ताकि सर हमें पता चल जाए कि वो ऑर्डर जो है वो टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं सो नंबर वन सेल्स में अगर मैं देखूं सेल्स का मैं प्रोसीजर टेस्ट करना चाहता हूं सो so, मैं देखूंगा सर ऑर्डर से पहले इन्वेंट्री की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए और जो आप जो समझिए कि ऑनलाइन अगर सेल्स हो रही है तो भाई जो हमारे पास इन्वेंट्री है वही हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अगर इन्वेंट्री गलत रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास इन्वेंट्री है नहीं और वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हो पाएगा नंबर टू आ गया हमारे पास और वो है सर जी ऑथराइजेशन से रिलेटेड जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाए वैसे ही सर जी सेल्स मैनेजर के थ्रू वो ऑर्डर जो है वो ऑथोराइज होना चाहिए और ऑथोराइजेशन की कॉपी जो है सर हमें कस्टमर को भी भेज देनी चाहिए राइट right. और ऑब्वियसली उसमें सर कोई ना कोई अपना रेफरेंस नंबर कोई जो भी आपने कोई कोड बना रखा हो कोई सीरीज निकाल रखी हो वो सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए साथ में सर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर तो वो हो ही गया राइट right. और ये हम कहाँ भेज देंगे ये हम सर अपनी इन्वेंट्री सेक्शन को भी भेज देंगे ताकि वो लोग जो है ऑर्डर प्रिपेयर करें एग्जीक्यूट कर पाएँ इन टाइम तो फर्स्ट इज़ बिफोर एक्सेप्टेंस चेक द इन्वेंट्री सेकेंड इज़ आफ्टर एक्सेप्टेंस सर जी ऑथराइजेशन आएगी सेल्स मैनेजर की और वो जाएगी किसको हमारे कस्टमर के पास भी वो जाएगी अच्छा जी देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है पार्टी को उधार का पीरियड जो अलाउड है वो क्या होना चाहिए नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होना चाहिए स्पेशल क्रेडिट अगर स्पेशल क्रेडिट पीरियड मान रहा है मान लो आप देते थे सिक्सटी सिक्सटी डेज का क्रेडिट पीरियड आपसे कोई कस्टमर जो है वो मांग रहा है नाइन्टी डेज़ का क्रेडिट पीरियड या वन डेज का क्रेडिट पीरियड तो उसके लिए कोई स्पेशल ऑथराइन अगर है तो सर जी वो हम चेक करेंगे वो हम देखेंगे भाई स्पेशल ऑथोराइजेशन की मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है और वो स्पेशल ऑथराइजेशन की पॉलिसी जो है फॉलो होती भी है या नहीं होती है जब एक्चुअली में क्रेडिट दिया जा रहा होता है ओके okay. हाँ लीजिए सो रेट एट विच ऑर्डर हैज़ बिन एक्सेप्टेड अदर टर्म्स अबाउट ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस शुड भी क्लियरली स्पेसिफाइड तो आप जब हमारे से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम भी बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं ना सीरियल की कब तक मिलेगी अगर कोरियर है तो कब तक जो है आप कोरियर एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको कोरियर रेफरेंस नंबर जो है वो कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें भी क्लियरली मैंशनड होनी चाहिए इन्वेंट्री चेक हो गई ऑर्डर आ गया सेल्स मैनेजर की ऑथराइजेशन मिल चुकी है राइट right. और हमने इन्वेंटरी सेक्शन में भी भेज दिया उस ऑर्डर को क्रेडिट पीरियड पे डिस्कशन हो गया रेट और बहुत सारे जो टर्म्स हैं उस पर डिस्कशन हो गया आइए जी देन हमारे पास क्रेडिट uh, पीरियड से रिलेटेड फिर दोबारा एक बात आ गई है भैया के क्रेडिट पीरियड से जब आप क्रेडिट पीरियड एक्सेप्ट कर रहे होंगे जब क्रेडिट पीरियड आप बेसिकली डिसाइड कर रहे होंगे ऑब्वियसली बात है ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह चेक होते हैं क्रेडिट वर्थनेस जो है वो चेक होती है आजकल तो सर सब कुछ जो है ऑनलाइन है बहुत जल्दी से जो है आप चेक कर सकते हैं क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द तो पार्टी पर्टिकुलर वर्थ द पार्टी हैज ऑनर्ड इट्स कमिटमेंट इन द पास तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही प्रोसेस हो हर कंपनी का अलग हो सकता है ये आपको एक जेनरिक फाइव पॉइंट्स बता दिए जो सेल्स के प्रोसेसर्स में आते हैं आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं लेकिन आई नंबर लेने तो भाई यही पॉइंट्स मानने पड़ेंगे आइए क्वेश्चन नंबर नाइन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ट्वेंटी स्वीट फूड स्वीट फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड वुड नॉट भी रिक्वॉय टू पॉइंट इन इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्न ऑफ अच्छा ये अरे यार ये तो आंसर था मैं कहूँ ये क्या हो रहा है आंसर इसका क्यों बता रहे लो जी स्वीट फूड प्राइवेट लिमिटेड है टर्न ओवर वन फिफ्टी फाइव करोड़ ये केस खत्म हो जाता है टर्न ओवर के बेसिस तो एक्सप्लेन व फैनशियल वन स्टी फूड लिमिटेड वुड भी रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर टू पॉइंट इंटर ऑडिटर नॉट रिक्वायॉर्ड क्योंकि सर जी टर्नवर दो सौ करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तभी जो है इंटर ऑडिटर पॉइंट होता है अब जाके आंसर पढ़ सकते हो आप यही यहां पर लिखा हुआ है वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वाई बिकॉज सर जी तभी अपॉइंट होता है तभी मैडेट्री होता है अपॉइंटमेंट वेन इट इज़ मोर देन और इक्वल टू टू हंड्रेड करोड़ राइट तो याद रखिएगा भाई दो सौ करोड़ या उससे ज़्यादा जब आपका टर्न ओवर होगा तो ही आपको जो है क्या अपॉइंट करना पड़ता है इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है सो so, आगे केस स्टडी के बेसिस पे उसका नाम लेते हुए जो वो आंसर कर दिया एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी अमेंडमेंट एंड अपडेट्स जो चैप्टर फोर के अंदर थे यहाँ पर भी था टू हंड्रेड करोड़ और मोर और सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई जो है मिल जाएंगी इंटर ऑडिट्स से रिलेटेड ये लीजिए प्राइवेट कंपनी का टू हंड्रेड करोड़ रुपीस और मोर और आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो गए वन हंड्रेड करोड़ रुपीस और मोर ये प्राइवेट कंपनी का था ऊपर भी यही बातें हैं बस यहाँ पे आपके लिए पेड अप शेयर कैपिटल वाली लिमिट जो है वो और एप्लीकेबल है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के, के केस में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड बोरोइंग्स टर्न ओवर ऑफ टू हंड्रेड रुपीज़ टू हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और मोर लीजिए सारी बातें सर यहाँ आप पे हमने कवर कर ली हैं चैप्टर फोर भी हमारा फिनिश होता है बाय बाय टेक केयर आ जाओ इसको भी हल्का सा डिस्कस कर देता हैं आपको याद दिलाते हैं बेटा ये इलस्ट्रेशन नंबर सिक्सटीन और कुछ नहीं है ये यहीं पे लिखे हुए पॉइंट्स है एक्टिविटी रिलेटिंग टू आईसी अगर आप देखेंगे ये पॉइंट्स हमने कवर कर रखे हैं आप प्लीज़ एक काम करिए आप अपने नोट्स में जाइए अभी के अभी आप अपने नोट्स खोलिए जो आपके क्लास नोट्स लिखे हुए हैं उस क्लास नोट्स में आप लोग जब देखेंगे इंटरनल इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वहाँ पर एक्टिविटीज रिलेटेड टू आई वाला टॉपिक देखिए वो मैंने आपको कवर करा रखा है बेटा करा रखा है प्लीज़ तो ये चीज़ हमने पहले से कवर रखे कवर कर रखे इसके लिए घबराइएगा मत अब आते हैं सर इसके ऊपर ये जो स्टैंडर्स हैं ऑडिट के अगर मैं पुराने स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो कुछ और नंबर्स में थे ये कुछ और नंबर्स हैं ये सर रिकमेंडेटरी इन नेचर हैं अभी सर ये मैंडेटरी नहीं बने हैं क्योंकि अभी तक तो काउंसिल ने जो इनको एज सच नोटिफाई नहीं करा है एक बात आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद इसको बस एज़ इट इज़ छोड़ दीजिएगा चलिए अब चैप्टर फोर में और कुछ है नहीं यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द बेस्ट बाय बाय गॉड ब्लेस यू